हाँ जी, तो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, अपने राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं, पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी होता है, पर फैक्ट खूब सारे होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, पढ़ने की कोशिश करना। मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में यदि आप आरपीसी के पेपर का ट्रेंड देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे प्री और मेंस दोनों जगह पे पेंटिंग आपकी पाई जाती है। तो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं है, हम पढ़ते हैं। देखो, ये तो राजस्थान की चित्रकला का विकास यदि हम देखना शुरू करें, वैसे तो बहुत प्राचीन काल से मिलती है, पर फिर भी विधिवत रूप से उसकी शुरुआत कहीं से अपने को देखने को मिलती है तो 1500 ईस्वी के आसपास में देखने को मिलती है। 1500 AD के आसपास में, 1500 ईस्वी के आसपास में राजस्थान की चित्रकला का हमें विधिवत विकास, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट वहां से दिखाई देता है। इस चित्रकला पर शुरुआत से ही जैन चित्रकला का प्रभाव रहा, गुजरात चित्रकला का प्रभाव रहा, अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा। अपभ्रंश का प्रयोग हम दो जगह पढ़ेंगे। भाषा के अंदर भी हम एक अपभ्रंश शैली पढ़ते हैं, चित्रकला में भी अपभ्रंश शैली पढ़ते हैं। वास्तव में जो क्लासिकल फॉर्म हुआ करती थी, भले वो लिटरेचर की थी, भले वो पेंटिंग की थी, जब उसमें थोड़ी विकृति आनी शुरू हुई, वो थोड़ी बिगड़नी शुरू हुई, वो जो शैलियां बनी थी अलग अलग, उनको हम अपभ्रंश कहते हैं। कि कभी हम कहते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा चलती थी, अप्राकृत भाषा चलती थी, और कालांतर में जब लोक भाषाओं का विकास होने लगा, हम उनको अपभ्रंश भाषाएं कहते हैं। उसी प्रकार एक कोई मुख्य फॉर्म थी इंडियन आर्ट की, और वो बाद में जब अलग अलग हिस्सों के अंदर टूटने लगी, अलग अलग हिस्सों के अंदर बंटने लगी, तो उसको अपभ्रंश शैली कहा गया था। तो जैन शैली का प्रभाव है, गुजरात शैली का प्रभाव है, अपभ्रंश शैली का प्रभाव है। मैंने कहीं और आपको शुरुआत के अंदर बताया था कि जैसलमेर के अंदर एक जैन भद्रसूरी भंडार है, और वहां पर राजस्थान के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ रखे हुए हैं। कारण यह है कि राजस्थान की पुरानी सारी किताबें हैं वो जैन राइटर द्वारा लिखी गई, और राजस्थान के पुराने चित्र भी हमें उन्हीं किताबों में मिलते हैं। पुराने चित्र दो ही जगह से प्राप्त हुए हैं, या तो मिले हैं रॉक के अंदर, मिले अपने को चट्टानों के अंदर मिले हैं, कि मैं आपको कहूं डडीकर के अंदर मिले, हरसोरा के अंदर मिले, आलणिया में चित्र मिले हमें, मैं कहूं आपको गड़देड़ा में चित्र मिलते हैं हमें, बेराठ में चित्र मिलते हैं हमें, सोहनपुरा में चित्र मिलते हैं, छाजा नदी के किनारे हमें चित्र मिलते हैं हमें, चंबल नदी के किनारे चित्र मिलते हैं। मुझे लगता है ये सब बातें मैं आपसे आर्कियोलॉजिकल साइट वाले टॉपिक में कर चुका था। या दूसरे प्रकार की पेंटिंग यदि हमें कहीं पर दिखाई देती है तो वो जो सोर्स है हमारा, वो मैन्युस्क्रिप्ट है, हस्तलिखित पुराने ग्रंथ हैं, उनके अंदर अपने को चित्र देखने को मिल जाते हैं। और चूंकि वो पुराने हस्तलिखित ग्रंथ ज्यादातर जैनों के द्वारा लिखे गए, इसलिए पुराने चित्रित ग्रंथ या पुराने जो चित्र हैं वो भी हमें जैनों की पुस्तकों के अंदर देखने को मिलते हैं। और चूंकि वो ज्यादातर जैन राइटर गुजरात वाले इलाके से बिलोंग किया करते थे, इसलिए दोनों शैलियां, जैन शैली और गुजरात शैली, अपभ्रंश, अलग अलग जब शैलियां टूटने लगी तो उन सबका प्रभाव इधर भी आना था, तो वो भी दिखाई देता है। और बाद में एक प्रभाव निश्चित रूप से हमारी चित्रकला पर आ गया था, वो था मुगल। प्रारंभ से ही जो एक प्रभाव दिखाई देता है वो तो दिखाई देता है हमें जैन, गुजरात और अपभ्रंश, बाद में हमारी शैली पर कोई एक प्रभाव और आने लग गया था तो वो मुगल प्रभाव था। हम इसका विधिवत विकास 1500 ईस्वी के आसपास देखते हैं। हमारी चित्रकला को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए। पहले तो हमारी चित्रकला पे सबसे पहले कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करता है, कोई वैज्ञानिक विभाजन करता है, तो उस बंदे का नाम था आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी नाम के बंदे थे जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का प्रथम बार वैज्ञानिक विभाजन, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करना शुरू किया था, डिवीजन करना शुरू किया था। बुक लिखी एक बहुत अच्छी इन्होंने, राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स नाम की बुक लिखी हुई इनकी, आनंद कुमार स्वामी की, याद रखना कोई पूछ लेगा। 1916 की बुक है, 1916 की बुक। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रथम बार वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, तो 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नाम की बुक लिखी थी। और उन्होंने राजस्थान की चित्रकला को और पहाड़ी क्षेत्र की जो चित्रकला है, पहाड़ी क्षेत्र में बताऊं तो आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये वाली जो चित्रकला थी, इन सब को एक ही बुक के अंदर लिखा और उसका नाम दे दिया राजपूत चित्रकला। मालवा भी कुछ कुछ इसमें शामिल किया था, पर मैं मालवा को राजस्थान का पार्ट मान लेता हूं, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि राजस्थान और पहाड़ी चित्रकला को मिला के एक बुक लिखी गई थी आनंद कुमार स्वामी द्वारा, जिस बुक का नाम था राजस्थान राजपूत चित्रकला नाम था, राजपूत पेंटिंग्स नाम था। और उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में और पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी चित्रकला है वो राजपूत चित्रकला है,
कारण क्योंकि यहां पर उस समय अपने ज्यादातर जो रियासतें हुआ करती थी वो राजपूत रियासतें थी, इसलिए उनका राजपूत रियासतों में राजाओं द्वारा जो भी चित्रकला को प्रसरय दिया गया, जिस भी चित्रकला को आगे बढ़ाया गया, प्रोडक्शन दिया गया, वो जो चित्रकला उसको आप राजपूत चित्रकला कहिए। कालांतर में दो विद्वानों ने इस बात को यही नाम दिया, ओ.सी. गांगुली और हेवेल। ये तीन बंदे आनंद कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली और हेवेल, इन तीनों ने अपने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा है। ये तीनों उसको राजपूत चित्रकला कहते हैं। एक और विद्वान व्यक्ति है W.H. ब्राउन, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी इंडियन पेंटिंग्स। थोड़ा सा अलग नाम देते हुए इन्होंने राजपूत चित्रकला नहीं कहा, वो कह रहे थे राजपूत पेंटिंग्स, ये कह रहे हैं राजपूत आर्ट। इन्होंने इसको राजपूत कला नाम दे दिया था। इन्होंने राजपूत कला कह दिया इसको। H.C. मेहता है, एक बुक लिखी स्टडी इन इंडियन पेंटिंग। और इन्होंने इसको हिंदू कला कहा। फिर सब के लास्ट में आए अपने राय कृष्ण दास, इन सब के मतों का खंडन करते हुए कहते हैं कि भाई साहब जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड वाली चित्रकला से हमारा क्या लेना देना है, हिंदुओं ने भारत में बनाए होंगे यार कहीं भी चित्र, हमारा उससे क्या लेना देना है, हमारी चित्रकला अलग है, वो राजस्थान की चित्रकला है, इसलिए उसको राजस्थानी चित्रकला कहा जाना चाहिए। तो हमारी चित्रकला को पहली बार राजस्थानी चित्रकला कोई नाम दे रहा था तो राय कृष्ण दास थे। इनकी बुक का नाम है भारत की चित्रकला। भारत की चित्रकला नाम की बुक लिखी और इसके अंदर अपनी चित्रकला को इन्होंने राजस्थानी चित्रकला कहा था। चार नाम याद रखने कि पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी 1916 अपनी बुक राजपूत पेंटिंग्स में, और अपनी चित्रकला को इन्होंने राजपूत चित्रकला कहा था। कालांतर में ओ.सी. गांगुली और हेवेल ने इसको फॉलो किया था। W.H. ब्राउन अपनी चित्रकला को राजपूत कला कहते हैं। H.C. मेहता अपनी चित्रकला को हिंदू कला कहते हैं। इन सभी के मतों का खंडन करते हुए राय कृष्ण दास अपनी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहते हैं। इन लोगों की बुक्स के नाम है W.H. ब्राउन की बुक इंडियन पेंटिंग्स, H.C. मेहता की बुक का नाम स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स, और राय कृष्ण दास की बुक का नाम है भारत की चित्रकला। याद रखना, को सुमेलित करवाने वाले टाइप के अंदर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि किसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, तो याद रखा जाना चाहिए, सारी बातें याद रखना आप। और आनंद कुमार स्वामी ने जब राजपूत पेंटिंग्स लिखी थी तो इसमें न केवल राजस्थान की पेंटिंग्स को शामिल किया गया था बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों की जो चित्रकला थी उसको भी शामिल कर लिया गया था। ये तो थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारियां हैं। वापस देख सकते हैं 1500 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला का विधिवत विकास प्रारंभ होता है, जिस पर प्रारंभ से ही जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैली का प्रभाव दिखाई देता है, जो कालांतर में मुगल शैली से भी प्रभावित हुई थी। अलग अलग लोगों ने उसके अलग अलग नाम दिए थे जो मैंने आपको बता दिए। हम आगे बढ़े। आनंद कुमार स्वामी की बुक है राजपूत पेंटिंग, जिसके अंदर इन्होंने न केवल राजस्थान बल्कि पहाड़ी चित्रकला को भी शामिल कर लिया था। इंग्लिश मीडियम वाले भाई बंधु थोड़ा ध्यान दे, कुमार स्वामी की स्पेलिंग ये है। हालांकि आप पता नहीं नोट्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, PDF ही देखेंगे शायद, वहां पर आप डायरेक्टली नोट्स नहीं बनाते आप, पर बनाओ यदि कोई तो वो देख लेना कि भाई कुमार स्वामी की स्पेलिंग ये है। तो ये राजपूत पेंटिंग बुक है आनंद कुमार स्वामी की। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आने की अधिकतम संभावना यही है। आनंद कुमार स्वामी की ये बुक 1916 के अंदर लिखी गई थी। आनंद कुमार स्वामी पहली बार अपनी राजस्थानी चित्रकला का साइंटिफिक डिवीजन करते हैं, वैज्ञानिक विभाजन करते हैं, और इसमें न केवल राजस्थान बल्कि पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला को भी समाहित करते हैं। राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। हम बेसिकली राजस्थान की चित्रकला को दो भागों में बांटना चाहते हैं। हम कहते हैं कि एक तो भौगोलिक आधार पे, या हम कहते हैं सांस्कृतिक आधार पे, ज्योग्राफिकल या कल्चरल। पर मैं कहूंगा कि आप कभी भी देख लेना, भले राजस्थान को आप ज्योग्राफिकली देख लेना या राजस्थान को आप कल्चरली देख लेना, आप राजस्थान में चार भूभाग पाएंगे, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ोती।
चार जो है राजस्थान के मुख्य भूभाग है। आप भूगोल के आधार पर देखेंगे तो भी आप पाएंगे कि मेवाड़ में पर्वत है, मारवाड़ में मरुस्थल है, ढूंढाड़ के अंदर मैदान है और हाड़ौती के अंदर अपने को पठार देखने को मिल जाता है। आप कल्चरल आधार पर देखेंगे तो भी आप इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क पाएंगे कि मेवाड़ की थोड़ी कल्चर अलग है, मारवाड़ की अलग है, ढूंढाड़ की अलग और हाड़ौती की अलग है। तो हम चित्रकला पर भी दो ही प्रभाव पड़ सकते हैं, या तो चित्रकला पर वहां के भूगोल का प्रभाव होगा या वहां के चित्रकला पर कल्चर का प्रभाव होगा। तो हमने चित्रकला को भी इन चार भागों के अंदर बांट लिया। अब इन चार के हमने सब डिविजन और कर दी, सब क्लासिफिकेशन और कर दी। जैसे जब हम मेवाड़ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप के टाइम में चावंड में चित्र बनने शुरू हुए थे, जो कालांतर में उदयपुर में भी जारी रहे। फिर एक हम पढ़ लेंगे नाथद्वारा में कैसी पेंटिंग बनाई गई। फिर एक हम पढ़ लेंगे कि देवगढ़ ठिकाने की पेंटिंग कैसी थी। हम जब मारवाड़ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जोधपुर में कैसी पेंटिंग बन रही थी। हम पढ़ेंगे कि बीकानेर वाले कैसी पेंटिंग बना रहे थे, किशनगढ़ में कैसी पेंटिंग बन रही थी। ये तीन तो राठौड़ों की रियासतें ही हो गई। फिर थोड़े बहुत हम पढ़ लेंगे नागौर में कैसे बने थे, जैसलमेर के चित्र कैसे हैं। हम ये भी देख लेंगे कि अजमेर के चित्र कैसे हैं। जब हम ढूंढाड़ देखेंगे तो हम देखेंगे कि पहले आमेर में चित्र बनने शुरू हुए थे, जो बाद में जयपुर में भी जारी रहे। अलग होकर रियासत बनी अलवर, तो यहां के चित्र। शेखावटी वाले पंचपाने थे तो शेखावटी के चित्र। और जयपुर का एक ठिकाना पड़ता था उनियारा, उनियारा के चित्र। हाड़ौती में हम देख लेंगे कि पहले एक रियासत हुआ करती थी बूंदी, बूंदी से टूट के बनी कोटा, कोटा से टूट के बन गई झालावाड़। इन तीन रियासतों के देख लेंगे। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान में कहां कहां की चित्रकला है। तो बेसिकली चार तौर पे भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ में हम इसे चावंड उदयपुर वाली, नाथद्वारा और देवगढ़ चित्रकला में बांटेंगे। मारवाड़ में तीन राठौड़ रियासतें, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। फिर आपके नागौर, जैसलमेर और अजमेर के चित्रकला। हम इसको ढूंढाड़ में आमेर या जयपुर की चित्रकला, अलवर की चित्रकला, शेखावटी और उनियारा ठिकाने की चित्रकला। हम इसको हाड़ौती में बूंदी की चित्रकला, कोटा की चित्रकला और झालावाड़ की चित्रकलाओं में अलग अलग बांट के पढ़ेंगे। एक एक पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि राजस्थान के जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, मैं एक दिन बता चुका था आपको कि जैसलमेर के अंदर है जिनभद्र सूरी भंडार, वहां पर रखे। जैसलमेर का जो जिनभद्र सूरी भंडार है उसमें राजस्थान के प्राचीन चित्र रखे, चित्रित ग्रंथ रखे। ये देखिए आप, एक साइड के अंदर लिखा हुआ है, एक साइड में पेंटिंग बनी हुई है। एक साइड में लिखते थे, एक साइड में पेंटिंग बना लिया करते थे। इस प्रकार के जो ग्रंथ हुआ करते थे इनको प्राचीन चित्रित ग्रंथ कहा करते थे। और वो जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है उनके अपने पास कुछ एग्जाम्पल है कि कौन कौन से ग्रंथ अपने को दिखाई देते हैं, कौन कौन से ग्रंथ है वो। जैसे एक ग्रंथ का नाम है ओघ नियुक्ति वृत्ति। ओघ निर्युक्ति वृत्ति एक ग्रंथ का नाम है। दस वेकालिका सूत्र चूर, सारी जैनों की किताबें हैं ये। शुरुआती जैनों के ग्रंथ है, उनके माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल कहानियां हैं जिनके अंदर चित्र बने हुए, जैसा कि आप मेरे बराबर के अंदर देख सकते हैं। और ये जो पुराने ग्रंथ है ये जैसलमेर के जिनभद्र सूरी भंडार में रखे हुए हैं। जिनभद्र सूरी से फिर आपको पता चल रहा है कि वो जैनों की किताबों का एक भंडार है वहां पर। तो राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ यदि कोई आपसे पूछ ले कौन से हैं तो ओघ निर्युक्ति वृत्ति और दस वेकालिका सूत्र चूर्णी है। 1060 ईस्वी के आसपास के चित्र बताए जाते हैं कि साहब 1060 ईस्वी के आसपास के थे। कहां है तो जैसलमेर के जिनभद्र सूरी भंडार में। क्या नाम है तो ओघ निर्युक्ति वृत्ति और दस वेकालिका सूत्र चूर्णी नाम के ग्रंथ है जो यहां पर अपने को पाए जाते हैं। ये अपना इंट्रोडक्शन शुरुआत कर राजस्थान की चित्रकला के बारे में मोटी मोटी सी बात है। एक एक पढ़े, पहले हम मेवाड़ की चित्रकला पढ़े। वापस वही बात है कि साहब मेवाड़ की चित्रकला में भी पुराने चित्रित ग्रंथ मिलते हैं। हाँ जी, बाकायदा मिलते हैं अपने। जैसे अपने को 1260 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के समय आहड़ में एक ग्रंथ चित्रित किया गया था, जैनों की बुक है ये भी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी।
जैनों की एक बुक का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चोरी, किसी कमलचंद्र नामक व्यक्ति से चित्रित करवाई गई थी। वो नाम याद नहीं रखना, अपने इतना याद रखें कि मेवाड़ शैली का सबसे पुराना ग्रंथ यदि कोई अपने को मिलता है तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी है, जो कि 1260 में महाराणा तेज सिंह के टाइम, सॉरी रावल लगाते थे उस टाइम तक, तो रावल तेज सिंह के टाइम में और आपके आहड़ के अंदर चित्रित किया गया था। तो रावल तेज सिंह के टाइम में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी नाम का एक ग्रंथ चित्रित किया गया 1260 ईस्वी। एक ग्रंथ और मिलता अपने को पुराना 1423 ईस्वी में महाराणा मोकल के टाइम, मोकल और मोकल के बाद में कुंभा आए थे तो कुंभा के टाइम में भी जारी रहा था। सिरोही के अंदर एक जगह पर थी देलवाड़ा, यहां पर एक ग्रंथ चित्रित किया गया था सुपार्श्वनाथ चरितम, जैनों के सातवें तीर्थंकर हुए थे सुपार्श्वनाथ जी, तो सुपार्श्वनाथ जी की एक बुक लिखी गई उनके ऊपर सुपार्श्वनाथ चरितम। चरितम अक्सर जीवनियों को कहा जाता था, तो जैनों के जो सातवें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ जी, उन पर जो जीवनी लिखी गई थी सुपार्श्वनाथ चरितम देलवाड़ा में महाराणा मोकल और कुंभा के टाइम में 1423 के अंदर, वो भी मेवाड़ शैली का एक पुराना ग्रंथ माना जाता है। कहा तो यहां तक जाता है कि इसके अंदर सोने की स्याही का प्रयोग किया गया था इस किताब के चित्र वगैरह बनाने में या इस किताब को लिखने के अंदर। तो दिमाग में बात रहे, मेवाड़ चित्रकला वैसे भी अपनी राजस्थान की चित्रकला का उद्भव है। राजस्थान की चित्रकला यदि कहीं से प्रारंभ होती है तो मेवाड़ से प्रारंभ होती है। राजस्थान की चित्रकला का उद्गम ओरिजिन उद्भव यदि कहीं पर है तो मेवाड़ की चित्रकला पर है। मैं और कहूं कि मेवाड़ की चित्रकला अजंता की चित्रकला को कंटिन्यू करती है। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है हमें, वैसी वैसी कुछ आगे आपको मेवाड़ में दिखाई देती है। अजंता चित्रकला से प्रभावित है। तो मेवाड़ शैली के प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं तो याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी 1260 ईस्वी का तेज सिंह के टाइम में आहड़ में रचा गया, 1423 में मोकल के टाइम में एक बनना शुरू हुआ था सुपार्श्वनाथ चरितम देलवाड़ा में, जो कुंभा के टाइम में जाके कंप्लीट हुआ होगा, स्वर्ण स्याही का प्रयोग किया गया होगा इसके अंदर। ये मेवाड़ शैली के प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला का उद्भव है। मेवाड़ शैली अजंता शैली से प्रभावित दिखाई देती है। एक एक का हम लेते हो, पहले भाई चावंड वाली चित्रकला या आपके उदयपुर वाली चित्रकला। और याद आएगा आपके कि हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप ने जब 1587 के आसपास में चावंड को अपनी राजधानी बना लिया था 1585 के बाद में, तो उनको थोड़ा शांतिपूर्ण टाइम मिला था। मुगलों का अटैक होने बंद हो गए थे। मुगलों का अंतिम जो अटैक था वो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा कर चुका था। उसके बाद में प्रताप को जब थोड़ा शांति का माहौल मिला तो प्रताप ने वहां कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया। और जब वहां पर वो कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे तो उन्हीं दिनों के अंदर और महाराणा प्रताप ने चावंड से मेवाड़ चित्रकला की विधिवत शुरुआत की। तो चावंड से मेवाड़ चित्रकला का विकास प्रारंभ होता है सही ढंग से। इससे पहले यत्र तत्र को चित्र बन रहे थे। मेवाड़ चित्रकला का विकास प्रारंभ होता है। एक बहुत अच्छा चित्र बनाया गया था इस टाइम में चावंड के अंदर, ढोला मारू का चित्र। ढोला मारू का चित्र यदि आप कभी देखेंगे तो एक ऊंट पर महिला और पुरुष बैठे हुए हैं, वो जो चित्र हैं वो लगभग सारे ढोला मारू के चित्र हैं। तो मेवाड़ शैली के अंदर महाराणा प्रताप के समय में 1592 में ढोला मारू का चित्र बनाया गया था, जो अब तो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। अब वो हमारी नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय जो है, नेशनल म्यूजियम है, उसके अंदर रखा हुआ वो चित्र है। तो और महाराणा प्रताप के टाइम में मुख्य चित्रकार कौन था, तो मुझे जहां तक याद है मैं नाम बता चुका हूं, उस चित्रकार का नाम था नासिरुद्दीन उन दिनों में मुख्य चित्रकार हुआ करता था। तो महाराणा प्रताप के टाइम चावंड से मेवाड़ चित्रकला का विकास प्रारंभ होता है। ढोला मारू का चित्र 1592 में इस समय बनाया गया था यहाँ पर, जो वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। नासिरुद्दीन उस समय के मुख्य चित्रकार हुआ करते थे। अमर सिंह के टाइम में जो ये नासिरुद्दीन है कंटिन्यू रहते हैं, और इन नासिरुद्दीन ने संगीत की राग पर आधारित चित्रकारी प्रारंभ की थी। राग माला का चित्रण किया था 1605 में
नासिरुद्दीन रागमाला का चित्रण करते हैं। ये रागमाला के जो चित्र हैं, ये भी राजस्थान की चित्रकला की यूनिक विशेषता है। और जो रागमाला के चित्र हैं, ये संगीत की रागों पर आधारित है। हमेशा मानते हैं कि संगीत में 6 राग और 36 रागनियां होती है। उन राग और रागिनियों को गाते समय कौन सा मौसम होता है, कौन सी ऋतु होती है, कौन सा समय होता है, लोगों का मूड कैसे होता है, मौसम कैसा होता है, इनके आधार पर जो चित्र बनाए जाते थे उनको रागमाला के चित्र कहा जाता था। तो याद रखना कि संगीत की राग रागिनियों के आधार पर उस समय के मौसम, ऋतु, मूड, पशु पक्षियों का नेचर, उन सबको दर्शाते हुए जो चित्र बनाए जाते थे उन चित्रों को रागमाला चित्रण कहा जाता था। 1605 में अमर सिंह के टाइम में नासिरुद्दीन ने मेवाड़ की रागमाला का चित्रण किया था। इसी टाइम एक और ग्रंथ का चित्रण किया गया था, बारहमासा। जहां तक मुझे लगता है आप नाम से पहचान पा रहे होंगे कि 12 महीनों का चित्रण किया गया है। और आप 12 महीने कभी चित्र देखना, आप चित्रों को देख के पहचान भी जाएंगे कि ये कौन सा महीना है। ये कोई चित्र है जिसके अंदर एक पौधा है, सॉरी पेड़ है एक, और पेड़ की पत्तियां एकदम झुकी हुई है, पीली पड़ चुकी है पत्तियां, आसमान में सूर्य देव बहुत भयंकर तरीके से विकराल रूप धारण करके चमक रहे हैं, एक किसान एकदम बनियान के अंदर खड़ा है और पसीना आ रखा, उसके हवा भी नहीं चल रही है एकदम, मोर है साइड के अंदर तो वो एकदम बेचारा सुस्त पड़ा हुआ है, पास में कुत्ता है उसकी जीभ बाहर निकली हुई है। आप देख के बता दोगे कि यार जेठ का महीना है। एक दूसरा को चित्र है, ठीक उल्टी स्थितियां हैं, पेड़ हरा भरा है, हल्की हल्की छींटे पड़ रही है, किसान बेहद प्रफुल्लित मुद्रा के अंदर खड़ा है, मोर पंख फैला रखे नाच रहा है, कुत्ता प्रफुल्लित मुद्रा के अंदर बैठा हुआ है। आप देख के कहोगे अच्छा ये ही सावन का महीना है, ये सावन के महीने का चित्र है। बस ये सिंपल सी बात है, 12 मासा के चित्र 12 महीनों के आधार पर बनाए गए, रागमाला के चित्र संगीत की राग रागिनियों के आधार पर बनाए गए। न ज्यादा संगीत के बारे में मैं जानता हूं, यदि आप में से कोई जानता हो तो बेहतर रहेगा, आप भी बता दें बाकी लोगों को भी कि संगीत की राग पर कैसे चित्र बनते हैं। बाकी मैंने जो इनकी पेंटिंग वगैरह देखी उनमें यही लगा कि संगीत की अलग अलग राग होती है, जैसे राग दीपक, राग भैरवी, राग श्री, राग मालकोस, उन रागों के आधार पर चित्र बनाए जाते हैं। कि राग श्री श्याम के समय गाई जाती है तो अब वो जो चित्र बनेगा उसके अंदर गायें वापस लौट रही है, मंदिर की घंटियां वो खनखना रही है, तो पता चलता है कि अच्छा शाम का सा टाइम है, शाम का टाइम है तो कौन सी राग गाई जा रही होगी इस टाइम में, तो राग श्री गाई जा रही होगी। तो ये सब राग का यूं अलग अलग टाइम वगैरह होता है, राग भैरवी है तो सुबह के टाइम गाई जाती है, तो सुबह के टाइम का कुछ चित्र बना होगा उसके अंदर। तो ये अमर सिंह के टाइम में बनाए गए थे, नासिरुद्दीन ने 1605 में रागमाला का चित्रण किया था। जगत सिंह फर्स्ट का जो टाइम है ये मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ है। अब देखो हुआ यह है कि अमर सिंह के टाइम में 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। मुगल मेवाड़ संधि के बाद राजधानी चावंड, 28 साल चावंड राजधानी रही थी, अब राजधानी उदयपुर शिफ्ट हो गई थी। उदयपुर शिफ्ट होने के बाद में इन लोगों ने और चित्र वगैरह बनवाने शुरू किए। उदयपुर में राजधानी लगभग करण सिंह के टाइम में आई थी। 1615 में अमर सिंह तो उधर नौचौकी चलाया जाता है आपका, करण सिंह के हाथ में सत्ता आ जाती है, 20 में करण सिंह राजा बन ही जाता है, करण सिंह के हाथ में आई पर 28 में करण सिंह मर गया, जगत सिंह राजा बने, वो एक बड़े राजा थे, दानवीर राजा थे। तो उनके टाइम में मेवाड़ शैली के अंदर कुछ नए प्रयोग किए गए, तो यहां से मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। उनको जब टाइम मिला बहुत अच्छे से तो उन्होंने यहां पर एक चित्रशाला बनवाई थी। आप चित्रशाला को यूं समझ लीजिए कि पेंटिंग डिपार्टमेंट बनवाया था, चित्रशाला बनवाई थी। इस चित्रशाला को बोलते थे चितेरोरी ओबरी, चितेरा मतलब पेंटर, ओबरी मतलब कमरा, तो एक पेंटर्स के लिए कमरा बनाया गया, चित्रशाला बनाई गई। वह सारे पेंटर यहाँ पे बैठ के पेंटिंग कर सकते हैं, वो सारे दिन बैठ के वहां पे पेंटिंग बनाते, इसलिए उसको कहते थे तस्वीरारो कारखानो, तस्वीरारो कारखानो कहा जाता था उसको। दो अच्छे चित्रकार हुए इनके टाइम के अंदर, जगत सिंह जी के टाइम, एक वे साहिब दीन, एक वे थे मनोहर। ये जो साहिब दीन थे इन्होंने राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाने शुरू किए थे। इससे पहले तक अभी तक किताबों वाली पेंटिंग ही हो रही थी, रागमाला बारहमासा ही रचे जा रहे थे, ढोलामरु के चित्र बन रहे थे, अब इन्होंने राजाओं के इंडिविजुअल पेंटिंग्स वगैरह बनाने शुरू किए थे। साहिब दीन बहुत अच्छा चित्रकार था, साहिब दीन ने फिर एक रागमाला और बनाई थी, अलग अलग चित्रकारों द्वारा रागमालाएं चित्रित की गई, तो साहिब दीन ने भी रागमाला का चित्रण कर दिया। और एक मनोहर नाम का चित्रकार और था। तो जगत सिंह फर्स्ट का याद रखना कि इनका जो टाइम है वो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। चित्रशाला का निर्माण करवाया था जिसको चितेरों की ओबरी या चितेरो री ओबरी
अथवा तस्वीरारों कारखानों कहा जाता था। भाई तस्वीरें बनती है ज्यादा, तो तस्वीरों का कारखाना हो गया वो। साहिबद्दीन और मनोहर नाम के चित्रकार इनके दरबार में थे, जिनमें जो साहिबद्दीन था उसने व्यक्तिगत चित्र बनाने शुरू किए थे। किसके बनाएगा? तो राजाओं के बनाएगा। और रागमाला का चित्रण इसने भी किया था, याद रहे। संग्राम सिंह सेकंड आए, संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में खूब अलग अलग प्रकार के चित्र बने थे। इनके टाइम में अलग अलग सब्जेक्ट पे चित्र बनने शुरू हुए। ये मैं दो सब्जेक्ट बताना चाहूंगा। एक सब्जेक्ट है कलीला दमना, और एक सब्जेक्ट है मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। और भी खूब सारे श्रृंगार पे, रागमालाओं पे कई अलग अलग चित्र बने थे। पर ये दो सब्जेक्ट क्या, दो अलग सी चीजें हैं। भारत में गुप्त काल के अंदर विष्णु शर्मा नाम के एक राइटर द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक का नाम था पंचतंत्र। एक राजा के राजकुमारों को एक ब्राह्मण द्वारा शिक्षा दी जाती है। विभिन्न कहानियां बता बताकर वो ब्राह्मण उन राजकुमारों को शिक्षित करने का प्रयास करता है। उन कहानियों की जो पुस्तक है उसका नाम था पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की पुस्तक थी, शायद भारत की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक, बेस्ट सेलर बुक है पंचतंत्र। बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए वाकई। कालांतर में जब अरबों ने आक्रमण किया था तो अरबों को वो बुक बड़ी पसंद आई थी, और अरबों ने उस बुक का अरबी में ट्रांसलेशन कर दिया था। उस बुक का जो अरबी ट्रांसलेशन है उसका नाम है कलीला वदमना, या कलीला दमना के नाम से उसका अरबी में ट्रांसलेशन किया गया था। कालांतर में अपने भारत में चूंकि अरबी और फारसी भाषाएं मुख्य भाषाएं बन गई थी मुस्लिम शासन के बाद, इसलिए कलीला दमना के अंदर जो कहानियां हैं उन सब्जेक्ट्स पे चित्र यदि किसी राजा के टाइम में बने थे तो राजा संग्राम सिंह सेकंड थे। मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार के एक नवरत्न थे, जो खाने में अक्सर दो प्याज खाया करते थे, इसलिए उनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। चुटकुले सुनाया करते थे बीरबल की तरह, तो मुल्ला दो प्याजा के लतीफों, लतीफे मतलब चित्र, उन पे जो चित्र बनाए गए थे वो भी किसके टाइम बनाए गए थे? तो संग्राम सिंह सेकंड के टाइम। तो संग्राम सिंह सेकंड के टाइम मुख्यतः दो सब्जेक्ट पे चित्र बनाए गए थे। कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो कलीला दमना की कहानियां और मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। कलीला दमना क्या है? तो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र क्या है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है। इतनी बातें याद रहे आपको। हम मेवाड़ चित्रकला की विशेषताएं पढ़े यदि कि क्या क्या विशेषताएं थी मेवाड़ चित्रकला में, तो मैं कहूंगा कि एक तो मेवाड़ चित्रकला जो है वो राजस्थानी चित्रकला का उद्गम है। राजस्थानी चित्रकला का ओरिजिन है। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम है। प्राचीन, सबसे प्राचीन चित्रकला उद्गम है, तो अपने आप में प्राचीन हो गया। खूब चटक रंग यूज में लिए गए थे, लाल रंग का प्रयोग, पीले रंग का प्रयोग, हरे रंग का प्रयोग, नीले रंग का प्रयोग, सफेद रंग का प्रयोग, इन रंगों के खूब सारे प्रयोग हुए। जो शिकार के दृश्य हैं उनमें 3D इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि राजा महाराजाओं का दौर था तो ऑब्वियस सी बात है शिकार के दृश्य बनाए जाएंगे। शिकार के जो दृश्य है इनमें 3D प्रभाव दिखाई देता है, 3D प्रभाव दिखाई देता है। जो कदंब के पेड़ के ज्यादा चित्र बनाए गए, बैकग्राउंड कहीं भी लिया गया तो वहां कदंब के वृक्ष का चित्रण दिखता। मोर पेंटिंग्स ऑफ कदंब ट्री। कदंब के वृक्ष का अधिक चित्रण किया गया था। और तो मैं विशेषता बताऊं तो महिलाओं की जो आकृतियां वो मीना आकृति, मछली जैसी हूं महिलाएं, सॉरी मछली जैसी आकृति की उनकी आंखें, महिलाओं की आंखें मीनाकृति आंखें महिलाओं की। तो मुझे कई बार लगता है कि यार चित्तौड़ का किला भी उन लोगों ने मछली की आकृति में बनाया और महिलाओं की आंखें वगैरह बनाई वो भी मछली की आकृति में बनाई, तो शायद मेवाड़ वालों का मछली से कोई ज्यादा ही लगाव है। पुरुषों के जो कद है वो ज्यादा ऊंचे नहीं दिखाए गए, थोड़े कम कद के पुरुष दिखाए गए। पगड़ियां दिखाई जाती थी पुरुषों के,
मूछें वगैरह दिखाई जाती थी, एकदम यूं गठीले बदन के, स्ट्रांग बॉडी बिल्डर टाइप के से दिखाई जाते थे थोड़े। ये थोड़ी विशेषताएं याद रखेंगे। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम था, लाल पीले हरे नीले सफेद रंगों का प्रयोग किया गया, शिकार के दृश्यों में 3D प्रभाव दिखाई देता है, कदंब के वृक्ष का चित्रण अधिक किया गया, महिलाओं के जो चित्र है उनमें उनकी आंखें मछली जैसी दिखाई गई है, पुरुष थोड़े कम कद के दिखाए गए, पुरुषों के सिर पर पगड़ियां दिखाई गई है, गर्दन छोटी छोटी दिखाई है पुरुषों की, ज्यादा बड़ी गर्दन नहीं, छोटी गिरवा। उस टाइप के से पुरुष इन चित्रों के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। यहां चित्रकार कौन कौन थे मुख्य? हालांकि महाराणा प्रताप के टाइम में मेवाड़ की चित्रकला का विधिवत विकास शुरू होता है, पर उससे टाइम उदय सिंह के टाइम, इनके पापा के टाइम में भी चित्रकार थे, और एक चित्रकार हुआ करते थे उन दिनों में नाना राम। और नाना राम ने 1540 में बहुत अच्छा चित्र बनाया था, पारिजात अवतरण। पारिजात अवतरण ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, तो पारिजात का एक पौधा निकला था जिसे इंद्र ने अपने इंद्रलोक में लगा लिया था, जिसके पुष्प को हरसिंगार कहा जाता है। और कहते हैं कि मां सीता ने 14 साल वनवास के दौरान केवल हरसिंगार से अपना श्रृंगार किया था, इसके अलावा श्रृंगार की किसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया था। कहा यह भी जाता है कि माता कुंती जब भगवान शिव का कुंतेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे थे तो उन्होंने कहा कि पारिजात का पौधा लगाना है इसके पास में, तो पारिजात के फूल लाए जाने चाहिए जिससे मैं पारिजात के फूलों से अभिषेक करूंगी इसका। अर्जुन इंद्रलोक गए, वो पारिजात का पूरा पौधा ही लेकर आ गए थे। भागवत पुराण के अंदर वो एक कहानी है जिसमें अर्जुन पारिजात का पौधा ला रहे हैं। वो जो पारिजात अवतरण का, अवतरण मतलब लेके आना, वहां से उतारना, अवतरित होना अपने आप में, वो जो एक फोटो है वो 1540 में उदय सिंह के टाइम में नाना राम नाम के एक चित्रकार हुआ करते थे जिन्होंने ये चित्र बनाया था। एक और मेवाड़ में बहुत अच्छे चित्रकार हुए, नूरुद्दीन। नूरुद्दीन ने एक पेंटिंग बनाई थी जगत सिंह सेकंड की, जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। और कुछ चित्रकारों के नाम लिखूं तो मैं गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ, ये कुछ और यहां के चित्रकार थे, साहिबद्दीन, नासिरुद्दीन और आपके मनोहर, उनके नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, बाकी वाले ये थोड़े थे। तो नाना राम जो थे उन्होंने 1540 के अंदर पारिजात अवतरण नाम का एक चित्र बनाया था। ये थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर और ध्यान में रहे ये बात भी अपने। नूरुद्दीन ने जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था, गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ, नासिरुद्दीन, साहिबद्दीन और मनोहर भी अन्य चित्रकार थे। नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा नाम आते ही मुझे लगता है आपके कुछ चीजें स्वतः स्पष्ट भी होगी कि पक्का सर इस पे तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा होगा यकीनन। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। ये वास्तव में मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रित रूप है कि भाई भगवान कृष्ण ब्रज में नहीं होंगे तो कहां पर होंगे। मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रित रूप था। भगवान कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, उनकी मूर्ति के पीछे कपड़े के पर्दे पर या दीवार पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया था। हम उनको पिछवाइयां बोलते हैं। पिछवाई चित्रण किया गया। पिछवाई चित्रण में क्या होगा, तो भगवान कृष्ण के चित्र ज्यादा बनेंगे। भगवान कृष्ण के चित्र ज्यादा, गायों के चित्र ज्यादा, केले के पेड़ के चित्र ज्यादा, कदली के पितरे, कदली कदो या केला कदो, एक ही बात है। आप और याद कर लीजिए, हम पढ़ते हैं कि नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है, चीजें जुड़ी हुई आपस में कहीं ना कहीं। आसमान में देवताओं का चित्रण, आसमान में देवताओं का चित्रण किया गया, जैसे आसमान में देवता बैठे हो, नीचे भगवान कृष्ण की लीलाएं देख रहे हो। हरा और पीला रंग ज्यादा यूज में लिए गए। ये नाथद्वारा शैली की कुछ विशेषताएं हैं। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है,
मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण है ये। पिछवाइयों का चित्रण अधिक किया गया था, जो श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण था, भगवान कृष्ण के चित्र, गायों के चित्र, केले या केदली के पेड़ के चित्र, आसमान में देवताओं के चित्र बनाए गए थे। हरे और पीले रंग का चित्रण जो है वो अधिक किया गया था। खूब अच्छे अच्छे चित्रकार हुए यहाँ पर भी। भगवान के नाम के चित्रकार हैं तो आपको सरल याद हो जाएंगे। एक चित्रकार थे बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, उदयराम। दो महिला चित्रकारों के नाम याद रखना, एक का नाम था कमला, एक का नाम था इलायची। ये थोड़े नाम याद रखना, कमला और इलायची नाथद्वारा चित्रकला की दो महिला चित्रकार थे। इधर वाले भगवान जी जैसे नाम है, बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, देख लो चार तो ऊपर वाले राम जी के नाम है, नीचे सॉरी भगवान जी के नाम है, नीचे वाले तीन याद रख लेना, चंपालाल, घासीराम, उदयराम। महिलाओं के याद हो ही जाएंगे, कमला याद हो ही जाएगा, इलायची नाम याद हो ही जाएगा। हो सकता है आपको कईयों को लगेगी इलायची भी कोई नाम होता है क्या, तो मुझे लगेगा कि इसका मतलब आपने वो पंजाबी गाना नहीं सुना, तू लौंग ते मैं लाची, तो उसमें कहो लड़की कह रही है कि तू लौंग है और मैं इलायची हूं, तो लाची जो वर्ड है वो इलायची के लिए यूज लिया गया। फिर एक देवगढ़ से लिया जाए, हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। इनमें जो 16वां ठिकाना स्थापित किया गया था वो देवगढ़ी था। तो कहते हैं इस ठिकाने के जो सामंत होते उनको 16वें उमराव बोलते थे। ये ठिकाना कहते 1680 में महाराणा हुए थे जय सिंह, राज सिंह जी के मरने के जस्ट बाद में अगले महाराणा बने जय सिंह जी। महाराणा जय सिंह ने द्वारिकादास चुंडावत को दिया था, चुंडावतों का ठिकाना था। तो यहां की चित्रकला भी इन्हीं के साथ शुरू हो गई। तो देवगढ़ मेवाड़ रियासत का एक प्रथम श्रेणी ठिकाना था, 16 ठिकानों में से अंतिम ठिकाना माना जाता था, इसलिए यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। 1680 में महाराणा जयसिंह ने यह ठिकाना द्वारिकादास चुंडावत को दिया था। तो द्वारिकादास चुंडावत के टाइम यहाँ की चित्रकला की विधिवत शुरुआत होती है। मैं थोड़ी बात बताऊं इस चित्रकला की। देवगढ़ चित्रकला, खूब साल तक लोग ऐसा मानते रहे कि देवगढ़ चित्रकला अलग नहीं है यार, ये तो वही है उदयपुर वाली चित्रकला है। कालांतर में एक बंदे आए थे श्रीधर अंधारे, और श्रीधर अंधारे ने कहा कि नहीं भाई ये वाली चित्रकला अलग है। तो देवगढ़ चित्रकला को कोई प्रकाश में लाने वाला था तो वो बंदा था श्रीधर अंधारे। मुझे लगता है कि सर श्रीधर अंधारे का नाम खुद का अंधारे है, पर चित्रकला को प्रकाश तो दिखाई गए थे, तो कौन सी चित्रकला को प्रकाश दिखाया था इन्होंने, तो इन्होंने देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश दिखाया था। वैसे वास्तव में देवगढ़ चित्रकला अपने मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों का मिश्रण है, मतलब हाड़ौती छोड़ दो बाकी तीनों का मिश्रण है। मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का मिश्रण है, पीले रंग का यूज ज्यादा है। पीले रंग का प्रयोग अधिक है, इसलिए मैंने पीले रंग से लिख दिया ताकि आपके दिमाग में रह गया देवगढ़ वाली चित्रकला में पीले रंग का प्रयोग ज्यादा किया गया है। वास्तव में भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं हमें देवगढ़ चित्रकला में दो जगह, एक को यहां पे मोती महल बना हुआ है उसके भित्ति चित्र बहुत अच्छे, एक कोई महल और है जिसका नाम है अजारा की ओबरी। उस अजारा की ओबरी के जो भित्ति चित्र है वो भी बहुत अच्छे से बने हुए। चित्रकार हुए खूब सारे चित्रकारों के नाम है यहां पर भी, ऐसे एक चित्रकार हुए उनका नाम है कौला, कौड़ो कौड़ो जो जिसको अपने बोलते हैं। एक चित्रकार उनका नाम है चोखा, एक चित्रकार उनका नाम है बैजनाथ,
एक चित्र का नाम है बगता हरचंद नगा, ये यहां के मुख्य मुख्य चित्रकार थे। तो देवगढ़ चित्रकला मेवाड़ के एक ठिकाने देवगढ़ की चित्रकला है जो 1680 में द्वारिकादास चुंडावत के टाइम में शुरू हुई थी। ये वास्तव में मेवाड़ मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रकला का मिश्रण है जिसमें पीले रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। मोती महल और अजारा की ओबरी के भित्ति चित्र देखने योग्य है। श्रीधर अंधारे ने इस चित्रकला को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था या प्रकाश में लाने का कार्य किया था, तो ये बात भी थोड़ी सी दिमाग में रहे श्रीधर अंधारे वाले। इसके जो चित्रकार उनके नाम है कौला चोखा बैजनाथ बगता हरचंद नगा, ये मुख्य चित्रकार है। मोती महल और अजारा की ओबरी में इसके भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। पीले रंग का प्रयोग ज्यादा है। श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लेके आए थे इसको। मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ का मिश्रण है इस चित्रकला के अंदर। एक पेंटिंग देखिए आप, मेवाड़ चित्रकला की एक पेंटिंग ली हमने, साहिबद्दीन की बनाई हुई पेंटिंग है। साहिबद्दीन जो हम पढ़ रहे थे कि जगत सिंह फर्स्ट के टाइम में था और उसने महाराणा के व्यक्ति के चित्र बनाए थे, और मैंने बताया था उसने रागमाला का चित्रण भी किया था। युद्ध कांड ऑफ रामायण, रामायण के युद्ध कांड का चित्र है कि भगवान रामन युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका जो चित्र बना हुआ है वो चित्र बना हुआ देख लीजिए। मेवाड़ में 1652 के अंदर इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के अंदर लगा हुआ। आप तो ये जो आप पढ़ेंगे आगे मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे कि इंडिया ऑफिस क्या था, उसके जो लाइब्रेरी है लंदन के अंदर उसके अंदर ये पेंटिंग लगी हुई है युद्ध कांड ऑफ रामायण की। किसकी बनाई हुई है? तो साहिबद्दीन की बनाई हुई पेंटिंग है। तो दिमाग में रखना थोड़ा सा, देख लो आप चित्र देखोगे थोड़ा तो और आपको कई चीजें यूं पता चलेगी इन चित्रों के बीच में कि क्या क्या है। सब वानर सेना दिखाई दे रही है इनके बीच के अंदर, आपको दशासन भी दिखाई देगा इन चित्रों के बीच में, मां सीता भी आपको अशोक वाटिका के अंदर दिखाई देंगे। तो सब प्रकार के चित्र हैं इनमें। एक चित्र महाराणा जगत सिंह सेकंड का, महाराणा जगत सिंह सेकंड की उसमें सवारी निकल रही है, हाथी पर बैठ के महाराणा जगत सिंह सेकंड जा रहे हैं। 1744 का चित्र बना हुआ है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क के अंदर ये चित्र लगा हुआ है। देखिए अपने चित्र कहाँ कहाँ पहुंच गए थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा चित्र है, ये भी मेवाड़ पेंटिंग का चित्र है, महाराणा जगत सिंह सेकंड की सवारी का चित्र है। एक चित्र है कृष्णा श्रीनाथ जी सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हुए भगवान कृष्ण का एक चित्र है नाथद्वारा का, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। आप ध्यान दीजिए कि इसमें केले के वृक्ष का चित्रण किया गया, केले के वो पत्ते दिखाए गए इसके अंदर, क्योंकि नाथद्वारा शैली में केले के वो उसका ज्यादा चित्रण किया जाता था। बाकी लीलाओं का चित्रण अपने आप में पिछवाई है। श्रीधर मेवाड़ के चित्रकला पे तीन लोगों ने बहुत अच्छा सा काम किया है। एक श्रीधर अंधारे सर, श्रीधर अंधारे है ये आपके आर के वशिष्ठ है, एक बंदे और सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कोई पूछे कि मेवाड़ के चित्रकला पर कार्य करने वाले लोग कौन कौन थे, तो श्रीधर अंधारे, फिर आपके आर के वशिष्ठ और सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र ने मेवाड़ चित्रकला पर अच्छा सा काम किया था। मैं दो बंदों के नाम और लेना चाहूंगा जिन्होंने मेवाड़ चित्रकला पर काम किया। एक बंदे का नाम है डगलस बेरेट, एक बंदे का नाम है बेसिल गे। और डगलस बेरेट और बेसिल गे मानते हैं कि भारत में चित्रकला का एक प्रकार है, उस प्रकार का नाम है चोर पतासिंग का। चित्रों का एक प्रकार है चोर पतासी का नाम करके, वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत मेवाड़ चित्रकला से हुई थी। ऐसा कौन कहते हैं? डगलस बेरेट और बेसिल गे मानते हैं कि चोर पतासी का जो चित्रशैली है उसकी शुरुआत मेवाड़ से हुई थी। मैं फिर बताऊंगी चोर पतासी का क्या है, हालांकि वो पेंटिंग लगाना भूल गए हम, मैं चाह रहा था कि वो पेंटिंग भी लगाई जाए इसके अंदर। अच्छा ये तो दूसरी है, भी मैं बताऊंगा अभी। डगलस बेरेट और बेसिल गे ने कहा कि चोर पतासी का जो है उसकी शुरुआत मेवाड़ से मानी जाती है। एक कश्मीरी ब्राह्मण हुए थे, बहुत अच्छे राइटर थे, जिनका नाम है विलहण। और वास्तव में विलहण की एक किताब है चोर पतासी का, जिसमें एक चोर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है। तो चोर और उसके प्रेमिका के मिलने की जो कहानियां हैं कि वो अलग अलग रूप धारण करके अपने प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, उस सब्जेक्ट पर जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों के नाम चोर पतासी का है।
पूरे भारत के अंदर ये विलहन की 84 कहां पर चित्र बनाए गए थे। डगलस बेरेट और बेसिल गे ऐसा मानते हैं कि ये जो चित्र है ये मेवाड़ शैली में सबसे पहले बने थे, इनकी शुरुआत मेवाड़ शैली से है। तो कोई कहे कि 84 का शैली मेवाड़ से प्रारंभ हुई, ऐसा कौन कहता है? तो डगलस बेरेट और बेसिल गे ऐसा कहते हैं। यह हरसिंगार का पौधा है, जिस हरसिंगार के अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पारिजात, पारिजात का पौधा है, इसमें हरसिंगार के फूल लगे हुए हैं, जिनकी मैं बता रहा था कि माँ सीता वनवास के दौरान हरसिंगार का श्रृंगार किया करते थे, और कुंती जब कुंतेश्वर महादेव मंदिर बनवाते हैं तो अर्जुन उसे कहते हैं कि मैं हरसिंगार के फूलों से भगवान शिव का अर्चन करना पसंद करूंगी, और जो अर्जुन थे वो अपनी माता की आज्ञा मानकर इंद्रलोक से पूरा पारिजात का पौधा लेकर आ गए थे। भागवत पुराण की कहानी पारिजात अवतरण, जिस पर 1540 में महाराणा उदय सिंह के टाइम में नाना राम नाम के एक चित्रकार ने इसका चित्र बनाया था। मुझे बहुत अच्छा सा याद आता है कि समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता हुआ करती थी रोली तिवारी मिश्रा, और रोली तिवारी मिश्रा ने एक बार फेसबुक या ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था कि अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के पारिजात हैं। कार्यकर्ता समझ नहीं पाए पारिजात क्या होता है, कार्यकर्ताओं को लगा कोई गाली निकाली है, कार्यकर्ताओं ने शाम तक रोली तिवारी मिश्रा को इतनी गालियां निकाली तो हमारी पार्टी क्योंकि हमारे नेता के खिलाफ ऐसा कैसे कह सकती है कि शाम तक रोली तिवारी मिश्रा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। मुझे लगता है कई बार चीजों को ना समझने की वजह से भी क्या क्या गलतियां हम कर बैठते हैं। रोली तिवारी मिश्रा उस दिन अखिलेश यादव की तुलना पारिजात के पौधे से कर रहे थे, वो महान पारिजात का पौधा जो इंद्रलोक के अंदर अपनी खुशबू बिखेरता रहता है, अर्जुन जिसको धरती पर लेकर आ रहे थे भागवत पुराण की एक बेहतरीन कहानी माँ सीता के बालों के अंदर सजने वाला कभी हरसिंगार का पौधा, इसे तुलना की थी उस लड़की ने बिचारी ने, पर हम ना समझी की वजह से उसको, हमको लगा पारिजात कोई गाली है, इससे संबंधित कोई यूपी में गाली निकलती होगी, जात लगता होगा पीछे आगे कुछ और लगा देते होंगे वो लोग, तो उन्होंने उसको गालियां निकाल दी अपने आप के अंदर। ये हमारी मेवाड़ चित्रकला थी, मारवाड़ चित्रकला। एक तिब्बत का इतिहासकार आया था एक अपने तिब्बती हिस्टोरियन था तारानाथ लामा, तारानाथ लामा नाम करके एक तिब्बती इतिहासकार था, और वो कहता है कि मारवाड़ में 7वीं शताब्दी के अंदर श्रृंगधर नाम का एक चित्रकार था, और श्रृंगधर के जो चित्र बनाए गए थे ज्यादातर वो यक्ष यक्षिणियों के चित्र बनाए गए थे। यक्ष किसी टाइम में देवताओं जैसा सा कुछ दर्जा रखने वाले मनुष्य हुआ करते थे, एक तरीके से आप मान लीजिए ऋषि। मैं शायद एक दिन आपको जब नोहा वाला जाख बाबा समझा रहा था तो मैंने यक्ष का मतलब और बताया था, तो वो जो यक्ष शैली है वो जो वैसे साधु संतों टाइप के चित्र बनाए गए थे वो श्रृंगधर ने बनाए थे, नहीं यक्ष शैली के चित्र बनाए थे। तारानाथ लामा एक तिब्बती इतिहासकार है जो कहता है कि 7वीं शताब्दी में मारवाड़ के अंदर श्रृंगधर नाम का एक चित्रकार था जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को बढ़ावा दिया था, यह यक्ष शैली का जन्मदाता ही मान लीजिए, फादर ऑफ यक्ष स्टाइल था ये चित्रकला की, तो वो बंदा श्रृंगधर था। पुरानी रिकॉर्ड तो अपने को ये मिलता है इनके बारे में। फिर जोधपुर की चित्रकला में मालदेव के टाइम में शुरू होती है, इसका जो प्रारंभ दिखाई देता है वो मालदेव के टाइम में दिखाई देता है। दो चीजें दिखाई देती है मालदेव के टाइम, एक तो मालदेव के टाइम में एक महल थे जिसके भित्ति चित्र बनाए गए थे, उस महल का नाम है चौखेलाव। चौखेलाव महल के भित्ति चित्र म्यूरल पेंटिंग्स जो बनी थी वो इसी टाइम में बनी थी। एक जैनों की किताब है उत्तराध्ययन सूत्र, वो उत्तराध्ययन सूत्र जो है वो इसी टाइम में चित्रित किया गया था। तो दो चीज, मालदेव के टाइम में जोधपुर की चित्रकला शुरू होती है, चौखेलाव महल के भित्ति चित्र और उत्तराध्ययन सूत्र नाम का ग्रंथ है, ये ग्रंथ का नाम है, ये चित्रित किए गए थे। दो बातें समझ में आई, देखो कोई पूछ ले चौखेलाव महल कहां पे है तो जोधपुर, चौखेलाव महल के भित्ति चित्र किस राजा के टाइम में बनाए गए थे तो मालदेव, मालदेव के टाइम में कौन सा ग्रंथ चित्रित किया गया था तो उत्तराध्ययन सूत्र नाम का एक ग्रंथ चित्रित किया गया था। फिर सुरसिंह आए, सुरसिंह के टाइम में दो चीज, ये तो ढोला मारू का चित्रण हुआ, कल ही हम बात कर रहे थे ढोला मारू की, आज तो मैं पेंटिंग लेके आया आपके लिए, एक भागवत पुराण का चित्रण किया गया, भागवत पुराण की जो भी बातें हैं उन पर चित्र बनाए गए, जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि
उधर जो नानाराम नाम का एक चित्रकार है, उदय सिंह के टाइम में 1540 में पारिजात अवतरण का चित्र बनाता है। तो पारिजात अवतरण वाली जो कहानी है वो भागवत पुराण की कहानी है। तो वहां से टॉपिक उठाया, बंदे ने टॉपिक उठा के चित्र बना लिया उस पे। तो मालदेव के टाइम में शुरू होती है, चौखेलाव महल के भित्ति चित्र बनाए गए, उत्तराध्ययन सूत्र को चित्रित किया गया, सूर सिंह के टाइम में ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण किया गया, मतलब इन पर चित्र बनाए गए। जसवंत सिंह के टाइम में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आना शुरू होता है। आप मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं कि जब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आएगा तो भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाएंगे। इसी टाइम में चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देने लगता है। तो कोई पूछे कि मारवाड़ के चित्रकला पे मुगल प्रभाव हमें कहां से दिखाई देता है, तो मुगल प्रभाव है वो आपको जसवंत सिंह के टाइम में शुरू देता है। मुगल प्रभाव का मतलब था कि थोड़े दरबार दिखाएंगे, दरबारों में शानो शौकत दिखाई जाएगी, कपड़े है वो ट्रांसपेरेंट दिखाए जाएंगे, ये जो चीज है अंतःपुर के दृश्य, एकदम महिलाएं जहां रहती है उनके सीन वगैरह, फव्वारे वगैरह दिखाने, ये सब थोड़ा मुगल स्टाइल का प्रभाव हुआ करता था। तो वो इस समय आपके जोधपुर शैली पर देखने को मिलता है, या जसवंत सिंह के टाइम में देखने को मिलता है। या मुगलों का एक और बड़ा प्रभाव, चित्र बनाते उस चित्र के बाहर खूब सारा बड़ा हाशिया रखते, इसको हाशिया बोलते थे, मार्जिन बोला करते थे, तो मार्जिन छोड़ दिया करते थे। ये भी मुगल चित्रकला की एक विशेषता हुआ करती थी। रंग जो थे वो बहुत ज्यादा यूं थोड़े चटकिले या तड़क भड़क वाले रंग यूज में लिए जाते थे मुगलों के द्वारा। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, इसलिए भगवान कृष्ण के चित्र बनने शुरू हुए और मुगलों का प्रभाव आना शुरू होता है। मानसिंह का जो टाइम है ये जोधपुर चित्रकला का गोल्डन एरा है, स्वर्ण काल है। मुझे लगता है आपके याद आएगा कि मानसिंह के टाइम में नाथ संप्रदाय का प्रभाव था, इसलिए नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक बने। नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र, जैसे एक तो इसकी खुद की बुक थी नाथ चरित्र मानसिंह, इसी प्रकार शिव पुराण पर चित्र बनाए गए, दुर्गा पुराण पर चित्र बनाए गए, ऐसे खूब सारे अलग अलग सब्जेक्ट पर चित्र बनाए गए। तो मानसिंह का टाइम स्वर्ण काल था जोधपुर चित्रकला का। नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने जिनमें नाथ चरित्र, शिव पुराण और दुर्गा पुराण प्रमुख है। तकसिंह के टाइम में चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। अंग्रेज आ गए थे, 57 की क्रांति में था तकसिंह, अपने यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। उस टाइम एक चित्रकार हुआ एच मूलर, और एच मूलर ने चित्र बनाया था दुर्गादास राठौड़ का। अभी हम आगे पेंटिंग दिखाऊंगा मैं आपको दुर्गादास राठौड़ की। एच मूलर बहुत बेहतरीन पेंटर था, खूब सारे उसने राजस्थान की पेंटिंग बनाई, बेसिकली जोधपुर और बीकानेर से संबंधित कई पेंटिंग उसने बनाई थी, उसी में एक दुर्गादास राठौड़ की पेंटिंग बना था। आप ज्यादातर लोगों की देखी हुई, आज हम पढ़ेंगे तो और देख लेंगे। तो तकसिंह के टाइम यूरोपीय प्रभाव, वापस देखिए आप मालदेव के टाइम, वापस पीछे से तारानाथ लामा एक तिब्बती इतिहासकार है जो कहते 7वीं शताब्दी में श्रृंगधर था, जिसने पश्चिमी भारत में यक्षशैली को जन्म दिया था। मालदेव के टाइम में चौखेलाव महल के भित्ति चित्र और उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ चित्रित किया गया, शुरू इसी के टाइम में होती है। सूर सिंह के टाइम में ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण हुआ। जसवंत सिंह के टाइम में वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बने, मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मानसिंह का टाइम स्वर्ण काल है, नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनाए गए, नाथ चरित्र, शिव पुराण और दुर्गा पुराण से संबंधित चित्र बनाए गए। तकसिंह के टाइम में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है, एच मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। विशेषताएं क्या है जोधपुर शैली की, विशेषताएं बताएं अपने से। महिलाओं की आंखें एक तो बादाम जैसी है, मुझे मेरी नहीं समझ में आएगी महिलाओं की आंखें बादाम सी कैसी हो जाती है, बादाम सी आंखें, ऊंची पाग, पगड़ी जो है पुरुषों के चेहरे पे ऊंची ऊंची दिखाई देती है। खंजन पक्षी का चित्रण अभी दिखाऊंगा हम आगे, खंजन पक्षी कौन सा है। लाल व पीला रंग ज्यादा, लाल व पीले रंग का प्रयोग, हाशिए में लाल रंग, सॉरी हाशिए में पीला रंग,
हाशिए में पिलाना, हाशिए समझ जाओगे आप, ये जो साइड के अंदर छोड़ा हुआ है इसमें पीला रंग, तो हाशिए के अंदर पीला रंग देखने को मिलता है। प्रेम कहानियों का चित्रण ज्यादा किया गया, ये एक अनूठी विशेषता, ये ध्यान रखना। प्रेम कहानियों का चित्रण खूब सरल, जैसे ढोला मारू, आपके महेंद्र मूमल, ये भी आगे पेंटिंग दिखाएंगे आपको, बाज बहादुर रूपमती, बादलों का खूब चित्रण किया गया, ये मोटी मोटी सी बात है कि महिलाओं की आंखें बादाम जैसी दिखाई गई है, पुरुषों के सिर पर ऊंची ऊंची पाग दिखाई जाती थी, खंजन पक्षी का चित्रण ज्यादा किया गया है, लाल व पीले रंग का प्रयोग अधिक करते थे, हाशिए में पीला रंग भरा करते थे, प्रेम कहानियों का चित्रण अधिक है, बादलों का चित्रण अधिक है। तो कभी कोई जोधपुर चित्रकला अपने को लिखनी हो मेंस में, तो दो तीन विशेषताएं भी याद रहे आपने लिख के आए, तो थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों का, तो विशेषताएं याद रखना। इसमें बेसिकली ये प्रेम कहानियों का चित्रण, हाशिए में पीला रंग है ना, खंजन पक्षी, ये दो चार बातें याद रह जाए तो ठीक है, इतनी तो खूब होती है अपने आप में। बादलों का चित्रण याद रखना, जोधपुर साइड में वैसे तो बादल आते नहीं थे, तो चित्रों में बना बना के राजी हो गए लोग। चित्रकारों के नाम देखिए आप, ये ज्यादातर चित्रकार तो जो हैं ये आपके मानसिंह के टाइम के, मानसिंह के टाइम के चित्रकार थे। ये जो डालचंद है इसने एक बहुत प्यारा चित्र बनाया था, इसमें अभय सिंह डांस देख रहा है, जो जोधपुर का राजा अभय सिंह, अभय सिंह का एक चित्र बनाया था नृत्य देखते हुए। तो कोई पूछे कि अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र किसने बनाया था, तो वो डालचंद है। एक मैं और बताऊं तो एक चित्रकार और हुआ बहुत अच्छा यहां पे जोधपुर के अंदर, वीर जी। और वीर जी ने 1623 में रागमाला का चित्रण किया था। अच्छा, करवाया किससे रागमाला का चित्र, किसने करवाया, तो पाली के एक बंदे हुआ करते थे विठल दास चांपावत, उन विठल दास चांपावत ने इसको कहा यार वीर जी एक रागमाला तो रच यार, पर इसने बाद में रागमाला का चित्रण किया था। तो ये भी याद रहे कि वीर जी नामक एक चित्रकार ने पाली के विठल दास चांपावत के कहने पर 1623 में रागमाला का चित्रण किया था। अब याद रहना चाहिए आपके कि मेवाड़ में रागमाला का चित्रण किया था आपके नासिरुद्दीन और फिर साहिबुद्दीन पढ़ रहे थे, यहां पर रागमाला का चित्रण कर रहा है वीर जी 1623 में पाली के विठल दास चांपावत के कहने पर। डालचंद का एक चित्र है जिसमें अभय सिंह का नृत्य देख रहा है। सबसे बेहतरीन चित्र यदि किसी बंदे के मिले अपने को, दाना भाटी के चित्र मिले। इसमें जोधपुर चित्रकला का एक्सट्रीम है, चरमोत्कर्ष है जोधपुर चित्रकला का अपने आप में। मैं दिखाऊंगा आगे दाना भाटी का एक पेंटिंग दिखाऊंगा आपको, तो अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शंकरदास, माधोदास, शिवदास याद हो जाएंगे। देखो तीन तो दास ही है, शंकरदास, शिवदास, माधोदास, शंकर शिव दोनों इसके अंदर आ गए, माधो और देख लो ऊपर वाला एक अमरदास, तो जिसमें दास वगैरह आए, भाटी वगैरह ऐसा कुछ लिखा है, तो पूछ लो ये चित्रकार कहाँ के, तो दिमाग में रखना सारे के सारे कहाँ के, जोधपुर के। एक आधा नाम को आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब याद रह जाएंगे। डालचंद जो है वो याद रही जाएगा आपके, अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था। वीर जी याद रहेंगे आपको, 1623 के अंदर एक वीर पुरुष पे चित्र बनाए इन्होंने, विठलदास चांपावत वीर पुरुष थे पाली के, उनके कहने पर रागमाला का चित्रण कर दिया था। एक और बड़ी जोरदार बात, जोधपुर चित्रकला में एक भारत की पुरानी बुक थी मतीराम, सॉरी मतीराम राइटर का नाम, मतीराम की बुक थी रसराज, इस रसराज पे खूब चित्र बनाए गए थे, इसकी जो कहानियां है उसका चित्रण किया गया था। मतीराम राइटर का नाम है, चित्रकार नहीं भाई, चित्रकार तो यही चित्रकार थे जिन्होंने चित्र बनाए थे, पर मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण कौन सी चित्र शैली में किया गया था, तो मारवाड़ चित्र शैली में किया गया था, याद रखना थोड़ी सी ये बात अपने। ये भाई अपने जोधपुर चित्रकला हो गए, आगे बढ़े हम बीकानेर चित्रकला। बीकानेर चित्रकला रायसिंह जी के टाइम में शुरू होती, भागवत पुराण का चित्रण करवाया करते थे,
भागवत पुराण का चित्रण करवाए। अनूप सिंह का जो टाइम है वो बीकानेर के चित्रकला का स्वर्ण काल, और मत कहूंगा यार अनूप सिंह का टाइम बीकानेर के चित्रकला का स्वर्ण काल नहीं है। अनूप सिंह का जो टाइम है वो वास्तव में बीकानेर के चित्रकला ही नहीं बल्कि बीकानेर के हर डिपार्टमेंट, कला के हर क्षेत्र का स्वर्ण काल था अनूप सिंह का जो टाइम था। कारण भी था, अनूप सिंह के समकालीन उधर मुगल बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब ने विभिन्न कलाओं पर रोक लगा दी थी, संगीत चित्रों पर रोक लगा दी थी, और वे तमाम लोग जो मुगल दरबार में अब तक रहते थे वो भाग के राजस्थान की तरफ आए। और जब राजस्थान में उनको अनूप सिंह जैसा बंदा मिल गया, वो बारह 25 थी, उसने इनको प्रेसरे प्रदान किया था। बीकानेर में वास्तव में दो प्रकार की चित्रकला हुआ करती थी, एक उस्ता कला और एक मथेरेना कला। दो अलग अलग चित्रकलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। उस्ता तो एक शब्द होता है उस्ताद, मैं शायद कभी पहले बता चुका हूं आपको, एक शब्द होता है उस्ताद, इंग्लिश में बोले तो एक्सपर्ट, निपुण, कुशल आप कहेंगे उसको, है ना, जो किसी काम में एक्सपर्ट हो, किसी काम में निपुण हो, कुशल हो, उस्ताद हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उस्ताद। मुगलों के दरबार में लाहौर के अंदर कुछ ऐसे चित्रकार थे जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाया करते थे। बीकानेर के राजा इनको अपने दरबार में लेके आ गए थे। उन उस्तादों ने बीकानेर में जो चित्र बनाए वो उस्ताद कला हो गए। खूब सारे अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए थे, हालांकि हम लोग एक ही बात के लिए इनको जानते हैं कि हम कहते हैं कि इन्होंने, हाँ मैं ये बात बताऊं उससे पहले, मैं कई बार जब ऑफलाइन क्लास में बच्चों से पूछता हूं कि यार उस्ताद कला क्या होती है, और बच्चा बड़े जोर शोर से जवाब देता है कि सर ऊंट पर जो की जाती है। मैं पूछता हूं उसको कि ऊंट पे क्या की जाती है, सर ऊंट पे डिजाइन बना देते हैं। तो ऊंट पे डिजाइन कैसे बना देते हैं, कि सर ऊंट के बाल काटेंगे और ऊंट के बाल काट के उस पर डिजाइन बना दी जाएगी, इसमें क्या कला हुई। बहुत साधारण सी बात है, कोई बालों को काटने वाला उस प्रकार से डिजाइन बना सकता उनपे। वास्तव में उस्ताद कला ये ऊंट के बाल वाली डिजाइन नहीं है, उस्ताद कला ये थी कि ऊंट का चमड़े पे सोने की कारीगरी किया करते थे, उसको उस्ताद कला बोलते थे। बेसिकली तो वो लोग तेल की कुपियां बनाते थे, तेल की कुपियां होती थी ऊंट के चमड़े से बनती थी, उनपे सोने की कारीगरी करते, बहुत महीन नक्काशी थी वास्तव में वो, इसको उस्ताद कला कहा करते थे। उसमें निपुणता चाहिए, उसमें कुशलता चाहिए, पर आजकल फेमस वो रखिए कि ऊंट के बाल काट के आप डिजाइन बना दो। तो उस्ताद कला ये थी कि ऊंट की खाल पर, ऊंट के चमड़े पर कैमल लेदर, सोने की कारीगरी, सोने का चित्रण, इसको उस्ताद कला कहा करते थे। कहते मुगल दरबार से दो चित्रकार लाए गए थे, अली रजा और रुकनुद्दीन। इन्होंने शुरू की थी, तो बीकानेर में इस उस्ताद कला को शुरू करने वाले कोई बंदे थे, तो अली रजा और रुकनुद्दीन थे, ये इस चित्रकला को शुरू करते हैं। अब तो बीकानेर में खूबी होती है, बीकानेर के कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर में सिखाई जाती है, कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर अब तो इसका ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे सिखाते हैं उस्ताद कला, खूब अच्छे अच्छे कलाकार हुए इसके, रामलाल हुए, हसन, आसिर खां, हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन जी जो थे इनको पद्मश्री मिला हुआ है, इब्राहिम, ईसा, शाहदीन, खूब सारे हुए थे, पर सब प्रकार की पेंटिंग की है भाई इन्होंने। कागजों पे भी चित्र बनाए थे, ऊंट के चमड़े पे भी चित्रकारी की थी इन्होंने, ऊंट की खाल वाली डिजाइन वगैरह भी बनाई थी, जितने प्रकार के चित्र बनाए जा सकते हैं सब प्रकार के, कैनवास पे बनाए थे, वसलियों पर बनाए थे, तो खूब सारे चित्रकार देख लो। तो उस्ताद कला क्या है, तो ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण किया जाता था, इसके लिए उस्तादों को मुगल दरबार से बुलाया गया था, दो उस्ताद मुख्य थे अली रजा और रुकनुद्दीन, जिन्होंने इसको शुरू किया था।
वर्तमान में बीकानेर के कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उस्ताद कला सिखाई जाती है। इसके मुख्य मुख्य कलाकार रामलाल हसन, असीर खां, हिसामुद्दीन उस्ताद जिसको इसके लिए पद्मश्री दिया गया था बाद में, इब्राहिम ईसा और शाहदीन है। अलग अलग दूसरे चित्र भी इन लोगों ने बनाए थे। उस्ताद कला का मतलब केवल यह मत मान लेना कि केवल ऊंट वाला काम ही करते रहते थे सारे दिन। चित्रकार थे, अच्छे पेंटर थे, दूसरे काम भी करते थे। मथेरणा कला, ये मथेरणा जैन होते हैं, तो जैन चित्रकार थे। वास्तव में लोग भित्ति चित्रण करते थे, म्यूरल पेंटिंग्स बनाते थे। देखो, भित्ति चित्रण दो प्रकार का हो सकता है। एक तो जब दीवार मकान बन रहा हो तो गीली दीवार पर यदि बनाया जाए उनको तो बोलते हैं फ्रेस्को, और दीवार सूखने के बाद में यदि खुर्च खुर्च कर इसको बनाया जाए तो उसको बोलते हैं टेम्पेरा। यदि गीली दीवार पर बनाया जाए तो फ्रेस्को कहते हैं। फ्रेस्को इसका एक नाम और होता है अराइस, और यदि दीवार सूखने के बाद बनाया जाए तो उसको बोलते हैं टेम्पेरा। कि मकान बन गया, दीवार सूख गई, अब खुर्च के बनाओगे भित्ति चित्र तो टेम्पेरा है। दीवार जब बन रही थी गीले प्लस्तर पर यदि आप बनाओगे, वेट दीवार पर बनाओगे, तो उसे फ्रेस्को अराइस कहते हैं। वास्तव में बीकानेर वाले ये जो थे फ्रेस्को करते थे, फ्रेस्को अराइस करते थे। अच्छा, बनाते क्या थे? तो राजा महाराजाओं के चित्र, राजा महाराजाओं के चित्र बनाया करते थे। अब पर इनको ही नाम नहीं आया, फ्रेस्को अराइस नहीं बोलते थे, ये बाद में इसका नाम निकाल लेते हैं। ये इसको कहते थे आला गिला, कि भाई आला आले आले में बनाएंगे हम तो चित्र, गिले गिले में चित्र बनाएंगे, तो इसका नाम आला गिला कर दिया। शेखावटी वाले और तेज पड़े, उन्होंने इसका नाम कर दिया पणो। तो मथेरणा कला वास्तव में जैनों में एक सबकास्ट होती है मथेरणा, उनके द्वारा भित्ति चित्रण किया जाता था, क्योंकि गिले प्लस्तर पे किया जाता था। गीले प्लस्तर पर उनके द्वारा किया जाने वाला भित्ति चित्रण था, इसे फ्रेस्को अराइस भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में वो लोग इसे आला गिला बोलते थे और शेखावटी वाले इसको पणों कहा करते थे। खूब अच्छे अच्छे चित्रकार हुए इसके, चंदूलाल, मुन्नालाल, मुकुंद, ऐसे चलाऊंगे। तो दो प्रकार की चित्रकला बीकानेर में उस्तादों द्वारा शुरू की गई, उस्ताद कला अली राजा रुकनुद्दीन द्वारा, मथेरणा नाम के सॉरी मथेरणा जो जैन चित्रकार थे उनके द्वारा जो गीले प्लस्तर पर चित्रकारी की जाती थी उसको मथेरणा कला, लोकल भाषा में इसको आला गिला या पणों कहा जाता था। वैसे इसका नाम फ्रेस्को अराइस होता है। गीले प्लस्तर पर वो राजा महाराजाओं के चित्र बनाया करते थे। इसका मतलब है कि राजा महाराजा जब भी कोई महल वगैरह बनाते तो गीले प्लस्तर पर उसको कहते भाई पेंटिंग बना दे यहाँ पे, वो जो पेंटिंग बना दिया करते थे उसको लोकल भाषा में वो लोग गीला आला गीला बोल दिया करते थे। मथेरणा बनाते इसलिए मथेरणा कला कर देते हैं, वैसे उसका नाम फ्रेस्को अराइस है। मुझे एक मूवी याद आती है, लव आजकल, सैफ अली खान दीपिका पादुकोण की एक मूवी है इम्तियाज अली की, और उसके अंदर सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण में ब्रेकअप होता है। विदेश में रहते हैं वो लोग, दीपिका पादुकोण कहती है मैं वापस इंडिया जा रही हूं तथा इंडिया जाके फ्रेस्को करूंगी। मूवी को देखते हुए अपने एकदम कान खड़े हो गए, फ्रेस्को करेगी, ये गीले प्लस्तर पर चित्रकारी करेगी। फिर मूवी में अगला सीन दिखाते हैं कि सैफ अली खान उसको मनाने के लिए आया है, वो एक बिल्डिंग के अंदर और दीवार को खुर्च के उस पर चित्र बना रही है। अरे तो टेम्पेरा कर रही है, फिर इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं फ्रेस्को करूंगी? इसका मतलब डायरेक्टर गलत बना गया सीन, उसने करवाई टेम्पेरा है, बुलवाया फ्रेस्को है। फिर मुझे लगा यार इम्तियाज अली इतना बड़ा डायरेक्टर ऐसी गलती कैसे कर सकता है। फिर समझ में आया कि लोग भी कहां फ्रेस्को टेम्पेरा को नोटिस करते हैं। लोगों को दीपिका पादुकोण देखनी थी, इम्तियाज अली ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ दिखा दिया। बाकी चीजें कौन फ्रेस्को कर रही कौन टेम्पेरा कर रही, तेरे जैसे कोई दिमाग में कुछ रही आ जाए तो भले ही हो, बाकी कौन ध्यान देता है इस तरफ और कौन नहीं देता है। आप ध्यान देना भाई, गीले पे कराए तो फ्रेस्को, सूखे पे कराए तो टेम्पेरा है। तो ये दो प्रकार की चित्रकला थी बीकानेर में, उस्ताद कला और मथेरणा कला।
विशेषता है, बीकानेर चित्रकला की खूब सारी विशेषता है। ये तो मुगल चित्रकला का प्रभाव है, ऑब्वियस सी बात है, मुगलों के साथ में लंबे टाइम तक रहे तो। बीकानेर के ज्यादातर राजाओं की पोस्टिंग साउथ में रखी, तो दक्षिण चित्रकला का प्रभाव है। बीकानेर पंजाब के पास में पड़ता है, तो पंजाब चित्रकला का प्रभाव है। तीन तो ये दिखाई देते हैं, मुगल चित्रकला का प्रभाव, दक्षिण चित्रकला का प्रभाव है और पंजाब चित्रकला का प्रभाव। अच्छा, और पहाड़ों का चित्रण ज्यादा किया गया। रेत के टीलों का चित्रण ज्यादा किया गया। फूल पत्तियों का चित्रण ज्यादा हुआ। फूल पत्तियों का चित्रण अधिक। महिलाएं एकदम जीरो फिगर दिखाई गई है, पतली पतली सी महिलाएं, इखारी तनवंगी। एकदम पतली पतली सी महिलाएं दिखाई हुई है इसके अंदर। एक बड़ी जोरदार विशेषता इसकी कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। मुस्लिम चित्रकार है और हिंदू देवी देवताओं के चित्र है। सांप्रदायिक सद्भाव है अपने आप। और अभी देखो, पीछे मैंने जितने चित्रकार भी बताए थे उनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। राजा चूंकि हिंदू थे तो राजा तो हिंदुओं के चित्र बनवाएंगे, तो मुस्लिम चित्रकारों ने भी भाई हिंदू देवताओं के चित्र बना दिए थे। मुझे और याद आता है कि मैं शायर का नाम भूल रहा हूं, पर किसी एक शायर का बीकानेर के बारे में डायलॉग है, तेरा सारा जहर उतर जाएगा, दो दिन मेरे शहर में रहकर तो देख। कि जो भी दिमाग का कचरा है वो सारा साफ हो जाएगा, दो दिन कोई बीकानेर में रह के तो देखे। तो सांप्रदायिक सद्भाव पे कही गई लाइन है, याद रखना। आप बीकानेर का नाम लेके क्यों लिखो, कल को कोई ऐसे आए उसमें भारत के बारे में, राजस्थान के बारे में लिखना, आपने उधर चिपकाना। किसको पता एग्जैक्टली बीकानेर के बारे में बोली गई या नहीं बोली गई। आप कहीं ऐसी बात लिखो तब कहना कि भारत की गंगा जमुना तहजीब को देखकर लगता है, बाद में लाइनें चिपका देना आपने। तो ये मैं लाइन जब भी पढ़ता हूं कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवताओं के चित्र बनाए थे, तब मुझे लगता है कि हाँ यार, ये बात तो सही है। एक और बड़ी जोरदार बात, एक तो बीकानेर के चित्रकार और एक शेखावाटी के चित्रकार, चित्रों के साथ में नाम और तिथि लिख दिया करते थे। ये विशेषता बाकी जगह देखने को नहीं मिलती। नेम एंड डेट यदि कहीं पर देखने को मिलता है तो ये बीकानेर और शेखावाटी के चित्रकारों के साथ में देखने को मिलता है, कि वो चित्रों के साथ में अपना नाम भी लिखते थे और तिथि भी अंकित कर दिया करते थे। बाकी भारत में लोग यूं देखते कि यार सब भगवान का करवाया हुआ है, नाम लिखने से क्या फायदा है। मैं हमेशा कई बार क्लास में हंसता रहता हूं कि यार भारत में हम हर चीज में भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, खुद कभी क्रेडिट लेते ही नहीं। कि पापा से कोई पूछेगी बिजनेस अच्छा चल रहा है आपका, तो पर पापा कहेंगे अरे अरे सब भगवान की दया है। किसी और बंदे से कि पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है, उसको कहा जाएगा नेताजी आजकल तो खूब प्रगति कर रहा है, अरे सब ऊपर वाले की दया है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपसे पूछेंगे कि आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन हो, आप वापस को उसकी कृपा है, उसकी कृपा के बिना कुछ ही नहीं हो सकता। तो भारत में लोग किताब लिखने के बाद और चित्र बनाने के बाद में उसके नीचे नाम तक नहीं लिखते थे। ये बीकानेर वालों ने शुरू किया कि ना भाई साहब, ऊपर वाले की तो है जो है, पर मेरी भी मेहनत है, मेरा नाम है, मेरी डेट है इसके साथ में, तो नाम और तिथि भी लिख दिया करते थे। बीकानेर वाले में अच्छे रंग भी अच्छे अच्छे मिलेंगे यूं आप। लाल रंग यूज में लिया करते थे, बैंगनी रंग यूज में लिया इन लोगों ने, बादामी रंग यूज में लिया, स्लेटी रंग यूज में लिया, तो खूब सारे अलग अलग रंग भी यूज में लिए गए थे। तो मुगल, दक्षिण और पंजाब चित्रकला का प्रभाव है, पहाड़ों के चित्र बनाए गए, रेत के टीलों के चित्र बनाए गए, फूल पत्तियों का चित्रण किया गया, इखारी तनवंगी महिलाएं मतलब जीरो फिगर महिलाएं, पतली पतली महिलाएं, मुस्लिम चित्रकार हिंदू देवताओं के चित्र बनाते हैं, बीकानेर और शेखावाटी के चित्रकार अपने चित्रों के साथ में नाम और तिथि लिखते हैं, लाल बैंगनी बादामी और स्लेटी रंगों का प्रयोग करते थे। ये भाई आपके बीकानेर वाली चित्रकला। किशनगढ़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग स्टाइल को इंडिया की है, तो किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है। सावंत सिंह नाम का एक बंदा, जिसे हम नागरी दास के नाम से भी जानते हैं, शायद मैंने थोड़ी थोड़ी बातें इनकी बताई थी आपको। किशनगढ़ की स्थापना 1609 के अंदर जोधपुर महाराजा थे उदय सिंह, मठा राजा उदय सिंह,
उनके आगे लीनेज के अंदर हुए किशन सिंह। उन किशन सिंह ने इस किशनगढ़ रियासत की स्थापना की थी अलग से, 1609 में किशनगढ़ की स्थापना हुई थी जहांगीर के टाइम में। इसी में एक राजा हुए सावंत सिंह, जिनपे वल्लभ संप्रदाय का इतना अधिक प्रभाव आ गया था कि उन्होंने अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया था। भगवान कृष्ण पे बहुत प्यारी बुक लिखी थी उन्होंने, नागर समुच्चय। नागर समुच्चय नाम की बुक लिखी थी। इनका जो टाइम है, ये किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। चूंकि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, इसलिए राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। सावन सिंह पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव की वजह से राधा कृष्ण के चित्र अधिक बने। इन्होंने नागर समुच्चय नामक पुस्तक लिखी थी। इनका समय किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। चित्रकारों के कुछ तो ये नाम आप देखिए, इसमें नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालड़ी दास, पढ़ने की कोशिश करना। दो चार भी यदि दिमाग में कुछ फंस गए ना तो बढ़िया बात है, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है और वो चार पांच नाम एक साथ देके पूछते हैं इनमें से कौन था और कौन नहीं था। एक आधा दिमाग में फंसा हुआ रहेगा थोड़ा ठीक रहेगा। एक कई नाम जैसे लालड़ी दास थोड़ा अलग सा दिखता है, यार ऐसा नाम अलग सा है, थोड़ा यूनिक सा नाम है अपने आप के अंदर, है ना। सवाई राम, रामनाथ, मदन सिंह, मूलराज, ये ध्वज ध्वज वाले इसके अंदर ज्यादा मिलेंगे। जैसे मैं दो चित्रकार और बताऊंगा अभी, सीताराम, नानक राम। पर मैं दो पेंटर्स की स्पेशल बात करना चाहूंगा। एक सबसे अच्छे जो पेंटर थे सावंत सिंह के, उनका नाम था मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद सबसे मुख्य पेंटर ये थे। और इन्होंने एक तो आपके नागर समुच्चय का चित्रण किया। नागर समुच्चय बुक लिखी उन्होंने थी नागरीदास जी ने, सावंत सिंह जी ने, और उसमें चित्र बनाने का काम इन्होंने किया था। राधा कृष्ण वाले चित्र इन्होंने बनाए। नागर समुच्चय भी भगवान कृष्ण पर ही है। जब भगवान कृष्ण तो बना लिए, जब राधा बनाने की बात आई, सब राधा कैसी बनाई जानी चाहिए, तो कहा राधा सावंत सिंह जी ने कहा मेरी जो प्रेमिका है उसकी तरह की राधा बना दो। और इनकी प्रेमिका का नाम था रसिक बिहारी, तो उस रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया गया था। आज दिन तक आप राधा जी की जो भी घर में फोटो लगा रखी है, और यदि आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो आज घर पे दोबारा देखना प्लीज, वो भगवान कृष्ण की प्रेमिका है या नहीं मुझे पता नहीं, पर वो सावंत सिंह की प्रेमिका रसिक बिहारी जरूर है। आज दिन तक राधा जी की जितनी भी पेंटिंग मिलती है वो सारी रसिक बिहारी की पेंटिंग है। तो रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाने वाले सावंत सिंह जी थे। अपने प्रेमिका को प्रसिद्धि कर गए यार पूरी तरीके से। अब रसिक बिहारी नाराज हुई। रसिक बिहारी का ये क्या मतलब हुआ, मतलब मुझे राधा बना के छोड़ दिया, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं कोई मेरी। अरे नहीं, इंडिविजुअल वैल्यू भी आपकी। और एक इनका जो व्यक्तिगत चित्र बनाया गया था, इंडिविजुअल एक पेंटिंग बनाई गई थी जिस पेंटिंग को हम कहते हैं बनी ठनी। तो बनी ठनी वास्तव में रसिक बिहारी की पेंटिंग है। रसिक बिहारी को वैसे तो राधा के रूप में चित्रित किया गया था, पर उनका एक फोटो अलग से और बनाया गया था जिस फोटो को बनी ठनी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे तब मैं बनी ठनी की और कई बातें बताऊंगा आपको। एक चित्रकार वे अमीर चंद, और अमीर चंद ने एक बहुत अच्छा सा चित्र बनाया था चांदनी रात की गोष्ठी। गोष्ठी मतलब पार्टी, चांदनी रात की गोष्ठी। मोरध्वज निहाल चंद सावंत सिंह के मुख्य चित्रकार थे, जिन्होंने नागर समुच्चय का चित्रण किया उनकी बुक का, राधा कृष्ण के चित्र बनाए, राधा रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया गया। रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र भी मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था जिसे बनी ठनी कहा जाता है। अमीर चंद ने चांदनी रात की गोष्ठी नाम का चित्र बनाया था। कुछ चित्रकारों के नाम ये देखो, ध्वज ध्वज तो मैं कह रहा था आपको, सूरध्वज भी याद रख लेना इधर थोड़ा सा, लालड़ी दास थोड़ा अलग सा नाम याद रखना, सवाई राम, रामनाथ, मदन सिंह, मूलराज, सीताराम, नानक राम। विशेषताएं क्या है, एक तो इसमें हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग स्टाइल है कांगड़ा, उस कांगड़ा शैली का प्रभाव है। कांगड़ा स्टाइल का प्रभाव दिखाई देता है। कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। फिर आप वल्लभ संप्रदाय के चित्र जहां ज्यादा बनेंगे
वहां पर नारी सौंदर्य का चित्रण ज्यादा होगा। भाई राधा जी ज्यादा बनेंगे, राधा जी ज्यादा बनेंगे तो नारी सौंदर्य आएगा। जहां वल्लभ संप्रदाय देखो वहां एक विशेषता तो आंख मूंद के लिख देना कि नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक। नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक किया गया। महिलाओं का फेवरेट कलर गुलाबी, तो गुलाबी और सफेद रंग का प्रयोग। हाशिए में भी हल्का गुलाबी रंग, गांव में बोलते हैं मोतिया रंग, हल्का गुलाबी हो तो भाई मोतिया रंग आपका, हल्का गुलाबी रंग हाशिए में। महिलाओं के जितने भी चित्र उनमें नाक का एक आभूषण दिखाया हुआ वेसरी, अभी वो भी मैं दिखाऊंगा आगे। नाक का आभूषण वेसरी सबके अंदर दिखाया हुआ इनके अंदर। केले के चित्र ज्यादा, वल्लभ संप्रदाय जहां होगा वहां पे केले के चित्र होंगे। सरोवरों का चित्रण ज्यादा, पॉन्ड इनके अंदर आपके सारस, हंस इनका चित्रण ज्यादा किया गया। तो किशनगढ़ चित्रकला पर कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नारी सौंदर्य का बहुत अधिक ही चित्रण हुआ इसके अंदर। गुलाबी और सफेद रंग ज्यादा यूज में लिए गए। हाशिए में हल्का गुलाबी रंग भरा गया। महिलाओं के नाक में आभूषण दिखाया गया जिसको कि हम वेसरी कहते हैं। केले के चित्र ज्यादा बनाए गए, वल्लभ संप्रदाय की विशेषता है। सरोवरों के चित्र बने, हंस के चित्र बनाए गए, ये भी थोड़ा सा दिमाग के अंदर है। अजमेर चित्रकला, एक देखो एक नॉर्मल सी बात याद रखना, अजमेर चित्रकला वो चित्रकला जिसपे हिंदू प्रभाव भी है, मुस्लिम प्रभाव भी है, और बाहर में अंग्रेज आ गए थे तो ईसाई प्रभाव भी है। राजस्थान की एकमात्र चित्रकला जिस पर अपने को तीनों प्रभाव दिखाई देते हैं, हिंदू मुस्लिम और ईसाई प्रभाव दिखाई देते हैं। अजमेर शहर की जो चित्रकला थी उसके अंदर तो थोड़ा राजसी वैभव वगैरह दिखाई देता है। गांव की जो चित्रकला है उसके अंदर आपको लोक संस्कृति दिखाई देगी। अजमेर में ठिकाने थे खूब सारे, उन ठिकानों की जो चित्रकला है उसमें राजपूती संस्कृति दिखाई देगी। तो अलग अलग चीजें, हिंदू मुस्लिम, ये एक जोरदार बात है ये याद रखें कि एकमात्र चित्रकला जिस पर हिंदू मुस्लिम और ईसाई तीनों प्रभाव दिखाई देते हैं वो अजमेर चित्रकला है। शहर की चित्रकला में राजसी वैभव दिखाई देता है, गांव की चित्रकला में लोक संस्कृति दिखाई देती है, ठिकानों की चित्रकला में राजपूती संस्कृति दिखाई देती है। कौन कौन से ठिकाने थे अभी हम पढ़ते हैं। इसके चित्रकार है देखो, ये चांद जो था ये जूनिया ठिकाने का था, और इस चांद का एक बहुत अच्छा चित्र है पाबूजी पर बनाया हुआ, राजा पाबूजी। ये जो तैयब है ये ठिकाना था सावर। राम सिंह भाटी नांद का था। जाल जी और नारायण भाटी खरवा के थे। माधो जी और राम मसूदा ठिकाने के थे। अल्लाह बख्श उसना और साहिबा तीनों अजमेर के थे, जिसमें याद ये रखे जाए उसना और साहिबा ये दोनों महिला चित्रकार है। तो कोई पूछे कि उसना व साहिबा नाम के महिला चित्रकार किस चित्रकला में थे, तो अजमेर में थे। मुझे याद आता है साहिबा वाला क्वेश्चन तो पूछा हुआ एक बार, कमला इलायची आपके उसके अंदर नाथद्वारा वाली में, उसना और साहिबा आपके किस में है, तो ये दोनों आपके अजमेर वाली के अंदर। चांद जूनिया का है जिसने राजा पाबूजी का चित्र बनाया। तैयब सावर ठिकाने का था। राम सिंह भाटी नांद ठिकाने का था। जाल जी और नारायण भाटी खरवा के थे। माधो जी और राम मसूदा के थे। अल्लाह बख्श उसना और साहिबा तीनों अजमेर के थे, जिनमें उसना और साहिबा दो महिला चित्रकार है। नागौर चित्रकला और तो कोई ज्यादा विशेषता ही नहीं। एक तो नागौर चित्रकला में बुझे हुए रंग यूज में लिए गए, फीके फीके डल कलर यूज में लिए गए। वृद्धावस्था के चित्र, बुढ़ापे के वो चित्र खूब अच्छे बनाए गए। पारदर्शी कपड़े, ट्रांसपेरेंट, या तो गेट पे चित्र बनाए गए लकड़ी के किवाड़ों पे, उन पे बहुत अच्छे चित्र बना दिए इन्होंने।
या फिर महलों के अंदर भित्ति चित्र, किले के या महल के सीधा सीधा मैं भित्ति चित्र लिख देता हूं, समझ जाओगे आप। म्यूरल पेंटिंग्स, नागौर वाले में सिंपल सिंपल चार पांच बातें याद रखनी। बुझे हुए रंगों का प्रयोग है, वृद्धावस्था के चित्र बनाए गए, पारदर्शी कपड़े चित्रित किए गए और लकड़ी के किवाड़ या भित्ति चित्र, लकड़ी के किवाड़ों पर अथवा दीवारों पर चित्र बनाए गए थे, ये याद रख लेना आपने। और नागौर वाले में कोई बात नहीं, जैसलमेर वाली चित्रकला बेसिकली राजा महाराजा थे तो अखे सिंह के टाइम में, पहले हर राज के टाइम में थोड़े चित्र बने थे, फिर अखे सिंह के टाइम में बने, फिर मूल राज के टाइम में इनका संरक्षण मिला। तो कोई पूछे भाई जैसलमेर को चित्रकला को किस किन किन राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था, तो हर राज, अखे सिंह और मूल राज। मूमल के चित्र बनाए गए, सर्वाधिक चित्र है वो मूमल के, मूमल यही के राजकुमारी थे लोदरवा की। तो जैसलमेर वाली चित्रकला की विशेषता यह कि अन्य कोई चित्रकला का प्रभाव नहीं, शुद्ध देसी है। मुझे लगता है कि यार जैसलमेर में प्रभाव छोड़ने जाता ही कौन, अबुल फजल तो खुद कहता है कि आपको वहां जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, तो और दूसरे कोई प्रभाव नहीं आ पाई। तो ये कोई पूछ ले कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला पर अन्य किसी चित्रकला का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है, तो जैसलमेर वाली चित्रकला। मैं पेंटिंग लाया था आपके लिए कुछ, ये एएच मुलर का वो चित्र है दुर्गादास राठौड़ का, जिसके बारे में शायद मैंने कभी पहले बात की होगी आपसे, कि किसी कवि का एक दोहा था कि आठ पहर चौबीस घड़ी गुड़ले ऊपर बास, सेल अणिशु शेख तोन बाटी दुर्गादास, कि आठों पहर चौबीसों घड़ी वो घोड़े पे बैठा रहता था, टाइम नहीं था खाना खाने का, इसलिए बाटी जो था वो भाले से सेक लिया करता, सेल अणिशु शेख, तो सेल मतलब भाला, अणि मतलब नोक, उसे बाटिया सेक लिया करता, बाटिया सेक रहा। तो दुर्गादास राठौड़ का बहुत फेमस चित्र, आप ये देखिए कि एक विदेशी चित्रकार है जिसका अपने से क्या लेना देना रहा था, उसने इतना अच्छा पेंटिंग बनाया। और आप तो, मैं चाहूंगा कि आप यूट्यूब खोल के देखें, आप गूगल खोल के देखें, एच मुल्लर ने कितने अच्छे चित्र बनाए हैं। रायसिंह हुसैन मिर्जा को मार रहे हैं, जैत सिंह कामरान को युद्ध हरा रहा है, राव बिक्का के चित्र बने हुए हैं, वो इतने बेहतरीन बेहतरीन सब राजाओं पे चित्र बनाए हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुझे लगा इस बंदे को भी आपको दिखाया जाना चाहिए, ये एच मुल्लर है जिन्होंने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था, दिमाग में रहे भाई एच मुलर भी आपके। ये ढोला मारू का चित्र है, कल मैं आपको बता भी रहा था कि ढोला मारू वाले जो चित्र है वो आपको ऊंट के ऊपर एक महिला पुरुष मिलेंगे, तो ढोला मारू का चित्र है 1810 का, को नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर लगाया हुआ है। तो ढोला मारू का ये खंजन पक्षी है, जिस पक्षी की अभी मैं बात कर रहा था कि जोधपुर चित्रकला में खंजन पक्षी का चित्रण ज्यादा किया गया, ये खंजन पक्षी है। ये भागवत पुराण हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जोधपुर में भागवत पुराण का चित्रण किया गया, बीकानेर में भागवत पुराण का चित्रण किया गया, तो ये भागवत पुराण से संबंधित अलग अलग दृश्य है, उनके अलग अलग चित्र हैं, आप देखना थोड़ा सा जितने आप समझ सको उतने। ये दाना जो मैं आपको बता रहा था कि मानसिंह के टाइम में दाना की जो चित्रकला, जिसमें मारवाड़ चित्रकला का अपने को वो दिखाई देता है, चरमोत्कर्ष दिखाई देता है, एक्सट्रीम है। ये पोलो खेलते हुए एक चित्र है जब महिलाएं पोलो खेल रही है, अपने इसको पोलो नहीं बोलते थे, अपने बोलते थे चौगान, रानियों का पोलो खेलते हुए चित्र है, चौगान खेलते हुए एक चित्र बनाया हुआ है जो आपके दाना ने बनाया था। ये साहिबद्दीन ने जो रागमाला मेवाड़ के अंदर रची थी उस रागमाला का एक चित्र है, तो वैसे ही ढोला मारू वाले कंसेप्ट पे बनाया हुआ है, पर यह है रागमाला का चित्र है, रागिनी है वास्तव में, मारू मारू रागिनी रागमाला का प्रकार है, मारू रागिनी साहिबद्दीन का बनाया हुआ चित्र रागमाला का है वास्तव में। उसका कला ये है, इधर वाली देखिए आप, ये जो सोने की डिजाइनिंग की हुई है ये उसका कला है, पर चूंकि आजकल हम इसको समझने लगे उसका कला, इसलिए मैंने ये फोटो भी इसके साथ लगा दिया कि ताकि आपको ये भी बता दिया जाए कि यार ये ऊंट के इस पे भी चमड़े पे भी इसको डिजाइनिंग कर दी गई, ये भी उसका कला है। वैसे ऊंट के मरने के बाद उसके चमड़े पे सोने की डिजाइन बनाई जाती थी, ये भी उसका कला है, तो वो भी ध्यान रखना। वो कुपियों वाला चित्र मुझे मिला नहीं, वरना मैं कुपियों वाला चित्र दिखाता आपको। ये बीकानेर पेंटिंग एक है जिसमें भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, और ये देख लो शाहद्दीन का बनाया हुआ एक चित्र है। अब बात याद रहेगी शायद आपके कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के अंदर रखा हुआ है, भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं इसके अंदर, तो ये एक अच्छी सी पेंटिंग है। भगवान कृष्ण बजा रहे हैं आपके बांसुरी और गायें उनकी तरफ आकर्षित होकर आ रही है, बीकानेर की सिर एक पेंटिंग है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के अंदर रखी हुई, वही मुस्लिम चित्रकारों की पेंटिंग है सारी की सारी। किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है इलाहाबाद म्यूजियम में रखी हुई है, जिसके अंदर
राधा और कृष्ण पेविलियन के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे कृष्ण राधा इन्हें पेविलियन, निहाल चंद की पेंटिंग है। मैंने अभी बताया था कि निहाल चंद ने राधा कृष्ण के चित्र बनाए थे, किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है। ये बनी ठनी है, बनी ठनी के ये जो नाक में पहनावा है इसको वेसरी कहा जाता है। बनी ठनी को एक बहुत अच्छे विद्वान हुए एरिक डिक्सन, उन्होंने बनी ठनी के लिए कहा था कि भारत की मोनालिसा है। मुझे लगा आपको मोनालिसा की पेंटिंग भी दिखाई जानी चाहिए। लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई एक पेंटिंग है मोनालिसा की पेंटिंग। हालांकि मैं तो जब मोनालिसा को देखता हूं तो मुझे लगता है इससे तो बेहतरीन अपने वाली है ये, इसमें ऐसा कुछ भी अलग से दिखाई नहीं देता। एक सिंपल सा महिला का फोटो है, अपने वाले ने खूब कलाकृतियां की है, खूब आप गहने वगैरह देखोगे, अंगुलियों की बनावट देखोगे, कितना सब कुछ किया, केवल चेहरा नहीं है इसके अंदर, बाकी भी सब कुछ चीजें उतनी वैसी की वैसी दिखाई दी। वास्तव में महिला बनी ठनी लग रही है, पर चूंकि मोनालिसा फेमस होगी, मोनालिसा फेमस इसलिए है कि समझ नहीं आ रही कि मुस्कुरा क्यों रही है, क्या खुशी है इसके कि ये इतनी मुस्कुरा रही है। शायद राजस्थान जी की कंप्लीट होने वाली होगी इसलिए मोनालिसा मुस्कुरा रही होगी, जो भी कारण रहा हो, पर एरिक डिक्सन कहते हैं कि भारत की मोनालिसा। वास्तव में किशनगढ़ पेंटिंग को दो लोगों ने आगे बढ़ाया था, एक एरिक डिक्सन, एक बंदे का मैं नाम और बताना चाहूंगा आपको, फैयाज अली। कोई पूछे कि किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल पर किस किसने काम किया था, तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने काम किया था। मोनालिसा पर हमने 1973 में 1973 में डाक टिकट जारी किया था, तो मोनालिसा पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, ये भी याद रखना कि इस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। मुंबल का फोटो है, हम अक्सर अभी बात कर रहे थे महेंद्र मुंबल का, तो जैसलमेर में भी हम पढ़ रहे थे कि मुंबल के चित्र ज्यादा बनाए गए, तो ये जो फोटो है ये मुंबल का चित्र है। अक्सर आपने देखे होंगे धोला मरू और मुंबल वाले, हम पहचान नहीं पाते अचानक। आज पहले आमेर और जयपुर वाली पढ़ते हैं, आमेर का दोया इसको अपने जयपुर भी कह सकते हैं ना, क्योंकि पहले राजधानी आमेर थी और बाद में राजधानी कहां आ गई थी, जयपुर आ गई थी। तो पहले वो आमेर में बन रहे थे चित्र, फिर कहां बनने लग गए, जयपुर। तो चित्रकला की शुरुआत यदि होती है तो मानसिंह के टाइम, वैसे भी आमेर रियासत को स्थायित्व ही मानसिंह के टाइम में मिलता है, तो मानसिंह के टाइम में जयपुर चित्रकला का प्रारंभ है। मुगलों के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे। अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, और महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उस बुक का नाम है रजमनामा। रजमनामा वास्तव में महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है, महाभारत का फारसी भाषा के अंदर अनुवाद है, अकबर ने करवाया था यह अनुवाद। रजमनामा का मतलब था युद्धों की पुस्तक, तो अपने देख लो भाई महाभारत क्या है, युद्ध की पुस्तक ही है, तो रजमनामा मतलब युद्धों की पुस्तक है, बुक ऑफ वॉर होती है। अब जब रजमनामा बनवा रहे थे, अनुवाद करवा रहे थे महाभारत का, तो कहा इसके चित्र कौन बनाएगा, मानसिंह ने कहा संभव, तो रजमनामा में 169 चित्र बने हुए, 169 चित्र बने हुए, और ये सारे के सारे आमेर के चित्रकारों ने बनाए थे। तो एक तो ये याद रखना कि भाई रजमनामा का जो चित्रण है वो आमेर के चित्रकारों द्वारा किया गया था, आमेर के चित्रकारों द्वारा चित्रण किया गया। कितने चित्र बनाए गए थे, तो 169 चित्र बनाए गए थे। ये थोड़ी सी बात याद रहे अपने कि मानसिंह के टाइम में शुरू हुई थी रजमनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, उसके 169 चित्र आमेर के चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे। इसी टाइम में एक और बुक का चित्रण करवाया गया था, और उस बुक का नाम है यशोधरा चित्रण, यशोधरा चरित्र, सॉरी यशोधरा चरित्र नाम की एक बुक थी, इसके चित्र भी इसी के टाइम में बनाए गए थे। कुछ भित्ति चित्र बने, जैसे एक तो बैराट का मुगल गार्डन, बैराट जो है उसके मुगल गार्डन के भित्ति चित्र, और एक मोजमाबाद नाम की जगह वहां के भित्ति चित्र, ये सारे मानसिंह के टाइम में बनाए गए थे। तो आमेर के चित्रकला मानसिंह के टाइम में शुरू होती है, महाभारत के फारसी अनुवाद रजमनामा के 169 चित्र आमेर के चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे, यशोधरा चरित्र नामक पुस्तक का चित्रण किया गया था, बैराट का मुगल गार्डन और मोजमाबाद के भित्ति चित्र भी इसी टाइम बनाए गए थे। मिर्जा राजा जयसिंह की एक रानी हुआ करती थी चंद्रावती, भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए इसके के लिए भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए थे, चंद्रावती के लिए श्री कृष्ण चित्र बनाए गए थे, राधा कृष्ण के चित्र बने थे। वेली कृष्ण रुक्मणी री, रसिक प्रिया, जिन जिन किताबों में राधा कृष्ण का जिक्र था वो चित्र इनके टाइम में, मिर्जा राधा जयसिंह के टाइम में बने थे।
इन्हीं के टाइम में चूंकि दरबारी थे बिहारी जी, तो बिहारी जी किताब बिहारी सतसई का भी चित्रण किया गया। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए भगवान कृष्ण के चित्र बनवाए थे, जिनमें दो पुस्तकें मुख्य, रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी दी वेली, और बिहारी सतसई का चित्रण इसी टाइम में किया गया था। मानसिंह के टाइम में शुरू हुई रजमनामा के 169 चित्र आमेर के चित्रकारों ने बनाए। यशोधरा चरित्र नामक पुस्तक का चित्रण किया गया। बैराट के मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र बनाए गए। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए कृष्ण भगवान के चित्र बनवाए और बिहारी सतसई का चित्रण किया गया था इस टाइम के अंदर। ये पढ़ेंगे हम, ये चीजें हुई इस टाइम में। तो फिर एक बड़ा राजा आ गया आपके सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के टाइम में मेरा आपको बताया हुआ कि सवाई जयसिंह ने सूरत खाना का निर्माण करवाया था, पढ़ा था मैंने ये आपको स्ट्रीम में पढ़ा दिया था। और यहाँ सूरत खाना के अंदर चित्र बनते थे, लघु चित्र बनाए जाते थे, छोटे छोटे से चित्र। मुझे याद है 2013 में क्वेश्चन ये था, अमीर रियासत का वह स्थान जहां चित्र और लघु चित्र बनाए जाते थे क्या कहलाता था, तो सूरत खाना कहलाता था। सवाई जयसिंह ने 36 कारखाने लगवाए थे अलग अलग चीजों के, उनमें से एक कारखाना ये सूरत खाना था जहां पे चित्र बनाए जाते थे सवाई जयसिंह के टाइम में। ये याद रखें, ईश्वरी सिंह के टाइम में एक बड़ा जोरदार चेंज हुआ। ईश्वरी सिंह के टाइम में आदमकद चित्र बनने शुरू हुए, पोर्ट्रेट पेंटिंग, आदमकद चित्र मतलब पूरे आदमी के कद के पूरे नक्शिक। इससे पहले कि आप पुराने चित्र देखेंगे वो 45 डिग्री एंकल है, मतलब इतना इतना, एक साइड की मूछ है, एक साइड का कान है, एक साइड की आंख है, पूरा चित्र नहीं बना करता था। यह आमेर के ही चित्रकार थे जिन्होंने पूरे चित्र बनाने शुरू किए थे। और यह जो चित्रकार था इसका नाम था साहिब राम। साहिब राम नाम का एक चित्रकार था जिसने ये पूरे पूरे चित्र बनाने शुरू कर दिए थे। तो आदम का चित्रण किसके टाइम में शुरू हुआ, तो ईश्वरी सिंह के टाइम में शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो साहिब राम के द्वारा शुरू किया गया। क्या बनाएगा, तो राजाओं का चित्र बनाएगा। तो राजाओं के चित्र बनाए थे उसने, ये थोड़ा सा याद रहे। माधो सिंह के टाइम में खूब भित्ति चित्रण किया गया, भित्ति चित्रण हुआ था खूब, कहां कहां पे, पुंडरीक हवेली में भित्ति चित्रण हुआ, सिसोदिया रानी के महल में हुआ। मम्मी थी सिसोदिया रानी थी उसकी, माधो सिंह की, चंद्रकंवर, गलता जी के मंदिरों में हुआ। यहां पर भित्ति चित्रण किया गया था, पुंडरीक हवेली में किया गया, गलता जी के मंदिरों में किया गया और सिसोदिया रानी के बाग के अंदर किया गया। प्रताप सिंह का टाइम स्वर्ण काल था, ये बातें भी मैं हिस्ट्री में बता चुका हूं। इस बंदे के टाइम में जयपुर में चित्रकला स्कूल बनाई गई थी। और पढ़ा था कि एक लालचंद नाम का चित्रकार था जो पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाता था, एनिमल फाइटिंग सीन यदि किसी ने डिपिक्ट किए थे तो वो बंदा आपके प्रताप सिंह था। पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाया करता था प्रताप सिंह का समय। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी, लालचंद नामक चित्रकार पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाता था। माधो सिंह के टाइम में भित्ति चित्रण हुआ, पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र, सिसोदिया रानी के भित्ति महल के भित्ति चित्र, गलता जी के मंदिरों के भित्ति चित्र इसी के टाइम में बनाए गए थे। विशेषताएं, वो चटक रंग यूज में लिए जाते थे सारे, लाल, पीला, हरा, केसरिया, ये रंग यूज में लिए गए। हाशिया जो हुआ करता था उसमें गहरा लाल रंग भरते, हाशिए में गहरा लाल रंग भरा जाता था। मुगल शैली का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देगा आपको, स्वाभाविक सी बात है। अब ये याद ही कर लो कि मुगल शैली का प्रभाव अपने आमेर किले पे भी दिखाई देता है, मुगल शैली का प्रभाव जो है वो आपको इस पे भी दिखाई देगा, चित्रकला पे भी दिखाई देगा। स्वाभाविक सी बात है कि भाई मुगलों के ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहे तो मुगल शैली का प्रभाव है इस पे। भित्ति चित्रण बहुत ज्यादा हुआ और भित्ति चित्रण पे ही ये मुगल शैली का प्रभाव ज्यादा है। भित्ति चित्रण को वही फ्रेस्को किया जाता था,
फ्रेस्को बोलते, अराइस बोलते, अलागिला कहते, मोराकसी कहते, मोराकसी कहा करते थे, अलग अलग कई नाम थे अपने आप में। आदम का चित्रण खूब हुआ, गार्डन खूब बनाए गए, हाथी जब आमेर में ही थे, हाथी गांव यहीं पे है, तो हाथियों का चित्रण खूब किया गया। बगीचों के चित्र बने, हाथियों का चित्रण किया गया, पुरुषों के जो चेहरे यहां की चित्रकला थी जिसमें पुरुषों के चेहरे दाढ़ी मूछ विहीन है, मगर यार जयपुर थोड़ा मॉडर्न था इसलिए यहां पे बंदा बिना दाढ़ी मूछ के भी रह सकता था, बाकी वाले लोग इतने मॉडर्न नहीं थे इसलिए सबके दाढ़ी मूछे दिखाई गई है। इसका मतलब जयपुर शुरुआत से ही शहर था, यहां पे ऐसे परिवर्तन किए जा सकते थे। तो लाल, पीला, केसरिया और हरे रंग का यूज ज्यादा लिया गया, हाशिए में गहरा लाल रंग भरा जाता था, मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक है इस पर, भित्ति चित्रण बहुत ज्यादा किया गया, इसे फ्रेस्को, अराइस, अलागिला, मोराकसी कहते थे। आदम का चित्रण खूब सारा हुआ, उद्यानों का चित्रण किया गया, हाथियों का चित्रण किया गया, पुरुषों के जो चेहरे हैं वो आपके बिना दाढ़ी मूछ के दिखाए गए। चित्रकार कौन कौन थे, नाम लिखे हुए खूब सारे आपके, रामजी दास थे, कुशला था, लालजी थे, मोहम्मद था, गोपाल था, उदय था, हुकमा, जीवन, राम सेवक, चिमना, खूब सारे चित्रकार हुए थे भाई यहाँ पे, तो याद रखें आप। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जयपुर में कला का विकास प्रताप सिंह के बाद में भी दिखाई देता है, और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, या मैं कहूंगी राम सिंह वाला जो मदरसा हुनरी है, वो भी तो कला का विकास कर रहा था, उसने भी चित्रकला का विकास किया ही था, तो वो भी थोड़ा सा याद रख लेना, कभी लिखो तो उसका वर्णन भी करना आप। अलवर वाली चित्रकला, अच्छा जयपुर से अलवर अलग रियासत कोई बनाता तो वो कौन बनाता है, प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह के साथ में दो चित्रकार चले गए थे जयपुर से, एक का नाम था डालूराम, एक का नाम था शिव कुमार। तो प्रताप सिंह के समय जयपुर से दो चित्रकार अलवर चले गए थे जिनके नाम थे डालूराम और शिव कुमार। तो थोड़े थोड़े चित्र प्रताप सिंह के टाइम में बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे प्रताप सिंह के टाइम में राजगढ़ में शीश महल का भित्ति चित्र बनाए गए थे, राजगढ़ में शीश महल है, उसके भित्ति चित्र बनाए गए। बख्तावर सिंह के टाइम में भी इस शीश महल का चित्रण किया गया था राजगढ़ वाले का, इसमें और सारे चित्र बनाए गए। शीश महल का चित्रण किया गया था। फिर बख्तावर सिंह के टाइम में सबसे जोरदार चित्र तो वह है जिसमें बख्तावर सिंह खुद नाथों के साथ बैठा हुआ है, फकीरों के साथ बैठा हुआ है, सन्यासियों के साथ बैठा हुआ है, तो बख्तावर सिंह ऐसे खूब सारे चित्र मिलेंगे जिनमें वो नाथों के साथ, सन्यासियों के साथ, फकीरों के साथ में धर्म चर्चा कर रहा है, उस टाइप के जो चित्र बनाए गए थे वो किसके टाइम में बनाए गए थे, तो बख्तावर सिंह के टाइम में। तो कोई पूछे भाई कौन से राजा के नाथों, फकीरों, सन्यासियों के साथ में चर्चा करते हुए चित्र बनाए गए थे, तो बख्तावर सिंह के बनाए गए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। विनय सिंह का टाइम अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल है, और मैं यदि कहूं कि विनय सिंह का अलवर के चित्रकला में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का, अकबर ने जिस प्रकार मुगल चित्रकला को प्रमोट किया था उसी प्रकार अलवर चित्रकला को यदि कोई प्रमोट करने वाला बंदा था तो वो विनय सिंह था। एक बुक हुआ करती थी गुलिस्तां, उसका चित्रण करवाया था इसने, गुलिस्तां का चित्रण किया गया, दो बंदे लगे थे इसके चित्रण के लिए। ये तो बलदेव, बलदेव के लिए तो कहा जाता है कि विनय सिंह खुद इससे पेंटिंग सीखता था। ये गुलाम अली कहते इस पेंटिंग बनवाने पे इस गुलिस्तां के चित्रण में 1,00,000 रुपए खर्च करवाए थे। ये गुलिस्तां वास्तव में जो बुक थी शेख सादी की पुस्तक थी, तो शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां का चित्रण करवाया गया था, चित्रण करने वाले थे बलदेव और गुलाम अली। विनय सिंह के टाइम में इसका चित्रण करवाया गया था। शिवदान सिंह के टाइम में कामशास्त्र नाम की एक पुस्तक का चित्रण किया गया, कामशास्त्र का चित्रण हुआ। फिर शिवदान सिंह के टाइम के सबसे अच्छे चित्र है
जिनमें नफीरी वादन किया जा रहा है, नफीरी सहनाई कोई कहते हैं अपने, तो नफीरी वादन चित्रण यदि किसी के टाइम में होता, बस सहनाई बजाते हुए चित्र जो बनाए गए थे, तो वो भी आपके किसके टाइम में बनाए गए थे, तो शिवदान सिंह के टाइम में बनाए गए थे। तो विनय सिंह का टाइम स्वर्ण काल है। शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तान का चित्रण बलदेव और गुलाम अली ने किया था, बलदेव से खुद विनय सिंह जी चित्र बनाना सीखते थे। शिवदान सिंह के टाइम में कामशास्त्र नाम की पुस्तक का चित्रण हुआ और नफीरी वादन चित्रण इनके टाइम में किया गया था। विशेषता है, मुगल शैली का प्रभाव है, आमेर शैली का प्रभाव, आमेर से आए थे तो रहना ही था, स्वाभाविक सी बात। ईरानी शैली का प्रभाव, थोड़ा ज्यादा चिकने शाइनी कलर यूज में लिए इन लोगों ने, चिकने और उज्जवल रंगों का प्रयोग किया। हाशिए में बेल बुनते बनाते थे ये लोग, हाशिए में बेल बुनते, व्यक्तियों की जो शक्ल थी वो आम जैसी शक्ल बनाया करते थे, जैसा आम होता वैसे मुंह बना दिए जाते थे, आम जैसी शक्ल बनाया करते थे। लघु चित्रण खूब सारा हुआ था, मिनिएचर पेंटिंग, छोटे छोटे ही चित्र ये खूब सारे बने थे। बख्तावर सिंह के टाइम में खूब सारे लघु चित्रण किया गया था। योगासन चित्रण, योगा करते हुए चित्र ये खूब सारा किया गया था। और सबसे जोरदार विशेषता, वैश्याओं के चित्र इसी शैली के अंदर बने थे। कामशास्त्र का जो चित्रण है वो इस तरह इशारा भी करता है। कोई पूछे राजस्थान की चित्रकला इसमें वैश्याओं के चित्र बनाए गए थे, कौन सी चित्रकला थी, तो अलवर वाली चित्रकला है जिसमें वैश्याओं के चित्र बना दिए गए थे। तो ये थोड़ा सा याद रहे कि मुगल आमेर और ईरानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, चिकने और उज्जवल रंगों का प्रयोग किया गया, हाशिए में बेल बुनते बनाए गए, मनुष्य की शक्ल आम जैसी बनाई गई, लघु चित्रण मिनिएचर पेंटिंग्स खूब सारी हुई, योगा से रिलेटेड चित्र खूब सारे बने, वैश्याओं से रिलेटेड चित्र खूब सारे बने। और ये वाला थोड़ा याद रखना, कोई एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। चित्रकारों के नाम, खूब सारे चित्रकार थे, शालिग्राम, जमुनादास, नंदराम, छोटेलाल, बक्साराम, राम सहाय नेपालिया, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, ये तो लास्ट में जाके हुए थे आपके जयसिंह के टाइम में। वो जयसिंह जिसको आपके निकाल दिया गया था उधर से तिजारा दंगों के बाद, इसको हटा दिया गया था, उसके टाइम में भी जाके चित्रकार हुए थे यहाँ पे। तो अलवर वाले चित्रकार पिछले 2-3 बार से किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो थोड़े याद भी रखना भाई, इनके नाम भी याद रख लेना। तो ये मुख्य मुख्य चित्रकार। एक चित्रकार और इसमें नहीं लिखा, मैं आपको बताऊं, मूलचंद, मूलचंद नाम का चित्रकार था, हाथी दांत पे चित्र बना दिया करता था, मंगल सिंह के टाइम में था, हाथी दांत पर चित्रकारी करता था। राजा हुआ करते थे मंगल सिंह, मंगल सिंह का ही है। मंगल सिंह मैंने शायद बताया होगा, मेयो कॉलेज का पहला विद्यार्थी था, मेयो कॉलेज में सबसे पहले एडमिशन लेने वाला बंदा यही था मंगल सिंह। उसके दरबार के अंदर मूलचंद नाम का एक चित्रकार था, तो हाथी दांत पर चित्रकारी कर दिया करता था। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना आप। शेखावटी चित्रकला में तो सीधे सीधे तो क्या बात बताऊं, शेखावटी की चित्रकला हवेलियों में है, हवेलियों में भित्ति चित्र है, इसलिए शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। खूब सारी बातें मेरी बताई हुई है, शेखावटी की हवेलियों में भित्ति चित्र बनाए गए थे, इसलिए शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। नीले रंग का प्रयोग खूब देखने को मिलता है, नीले रंग का प्रयोग किया गया है, यूरोपियन शैली का खूब प्रभाव दिखाई देता है। अंग्रेजों का प्रभाव है पूरा, यूरोपियन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अब वो भित्ति चित्रों का कोई कंजर्वेशन कर नहीं रहा, उनका संरक्षण किया नहीं जा रहा। फ्रांस का एक बंदा आया था, कोई नादिन ला प्रिंस, फ्रेंच बंदा, एक फ्रांसीसी है, और इस बंदे ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रण का संरक्षण किया है। फतेहपुर की जो हवेलियां हैं उनके जो भित्ति चित्र है उनका संरक्षण करने का काम किया है।
एक शायद मैं बता चुका था कि उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र बहुत अच्छे हैं, जो देवा नाम के चित्रकार ने बनाए थे। उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी है और इसके जो भित्ति चित्र है पेंटर ने बनाए थे, पेंटर का नाम है देवा। तो शेखावाटी चित्रकला अपने हवेलियों में संरक्षित है, इसलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। उदयपुर वाटी की जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र देवा नाम के चित्रकार ने बनाए। नीले रंग का प्रयोग ज्यादा है, यूरोपियन शैली का प्रभाव अधिक है। नादिन ला प्रिंस नाम का एक फ्रेंच है जिसने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण करने का कार्य किया था। तो ये थोड़ा सा नादिन ला प्रिंस वाला याद रख लेना आप। उनियारा शैली, उनियारा आमेर रियासत का एक ठिकाना है, नरुका ब्रांच का ठिकाना था, नरुकों का एक ठिकाना हुआ करता था उनियारा। उनियारा का तो मतलब ही चेहरा होता है, उनियारो। सरदार सिंह जी के टाइम में यहाँ की शैली थोड़ी यूं रंग पकड़ती है। मिश्रण है वास्तव में जयपुर और बूंदी का। जयपुर और बूंदी का मिश्रण है। चित्रकारों के नाम याद रखना, सरदार सिंह के दरबार में थे वो, धीमा, भीम, मीरबख्श, काशी, रामलखन, ये मुख्य मुख्य चित्रकार थे। मीरबख्श का एक बहुत अच्छा चित्र है, राम सीता लक्ष्मण हनुमान, देख लो बनारा मीरबख्श है। अपने तो राजस्थान की ज्यादातर पेंटिंग मुस्लिम चित्रकारों की है। राम सीता लक्ष्मण हनुमान के चित्र बनाए थे, किसने बनाए थे, तो मीरबख्श ने बनाए थे। किसके दरबार में था, तो राव राजा सरदार सिंह जी हुआ करते थे, उनके दरबार में था। उनियारा आमेर रियासत का नरुकों का एक ठिकाना था। जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है उनियारा वाली, और कोई बात नहीं है इसके अंदर। हाड़ोती पेंटिंग आ गई, हाड़ोती में मुख्यतः दो है, झालावाड़ वाली तो कुछ है नहीं, बूंदी और कोटा हमने पढ़ी थी, अलग अलग दो पढ़ेंगे हम। एक बूंदी के बारे में पढ़ेंगे, पहले बूंदी रियासत थी और बाद में रियासत कौन सी आ गई थी, कोटा, इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपने। बूंदी वाली सुरजन के टाइम में शुरू होती है, शुरुआत सुरजन के टाइम में। आप एक चीज नोटिस कीजिए, राजस्थान की लगभग चित्रकला अकबर के समकालीन है। सुरजन अकबर के समकालीन था, मानसिंह अकबर के समकालीन है, महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन है, मालदेव भी लगभग लगभग अकबर के समकालीन है, बीकानेर वाला राय सिंह अकबर के समकालीन है, क्योंकि अकबर के टाइम में राजस्थान में लड़ाइयां बंद हो गई थी। लड़ाइयां बंद होगी तो थोड़ा शांतिपूर्ण टाइम मिला, शांतिपूर्ण टाइम मिला तो कला गतिविधियों को बढ़ावा मिला था। अब नागौर दरबार के जो महत्व लिखा है उसका एक पॉइंट देख लेना आप, कि शांति व्यवस्था स्थापित होने के कारण कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला था, ये देख लो आप, नोटिस कर लो। बोले शत्रु साल ने रंग महल का निर्माण करवाया था, बता चुका हूं मैं, मैंने किले पढ़ाए तभी मैंने बता दिए थे, रंग महल का निर्माण करवाया था जिसमें भित्ति चित्र बनाए गए। अब मैंने उस टाइम भी बताया था कि जो तारागढ़ किला वो अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। उमेद सिंह का टाइम बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल था। भित्ति चित्र बनाए गए थे, सॉरी वो चित्रशाला बनाई गई थी, और चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। उमेद सिंह का एक बहुत अच्छा चित्र है, 1750 के आसपास का चित्र है, जिसमें उमेद सिंह जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। एक भित्ति चित्र बनाया गया था उमेद सिंह द्वारा, जंगली सुअर का शिकार। उमेद सिंह क्या कर रहा है, तो जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। उमेद सिंह बूंदी वाला है भाई आपके, ये दलेल सिंह उमेद सिंह वाला उमेद सिंह है, दिमाग में रखना। हुंजा घोड़ा था जिसका हमने कभी पढ़ा था इसके बारे में। विशेषता है बूंदी वाली पे, एक तो मेवाड़ का प्रभाव ज्यादा है, मेवाड़ शैली का प्रभाव। फिर बूंदी वाले राजाओं की साउथ में पोस्टिंग की तो दक्षिणी प्रभाव, दक्षिण शैली का प्रभाव। बेसिकली दो राजा अनिरुद्ध सिंह और भाव सिंह की पोस्टिंग उधर साउथ में रही थी, तो वो वाला टच आता है अपने आप में।
सर्वाधिक प्रकृति चित्रण पेड़ पौधों के चित्र यदि किसी के अंदर बनाए गए थे तो वो बूंदी वाली में बने थे। प्रकृति चित्रण तो बहुत ही ज्यादा है कि पशु पक्षियों पेड़ पौधों की चित्रकला है, ये तो नेचर की पेंटिंग थी अपने आप में। नेचर की पेंटिंग होगी तो हरा रंग अपने आप यूज होगा, हरा था, लाल रंग था, हिंगलू कलर ज्यादा यूज लिया गया। मतीराम वाली पुस्तक रसराज का इसमें भी चित्रण किया, जो मारवाड़ वाली मैंने बताया था उसका इधर भी है। मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण किया गया था इसके अंदर। तो विशेषताएं कि मेवाड़ शैली का प्रभाव ज्यादा है, दक्षिणी शैली का प्रभाव है, निरुत सिंह भाव सिंह की पोस्टिंग साउथ में रखी मुगलों ने, प्रकृति का चित्रण ज्यादा किया गया, हरा लाल और हिंगलू रंग ज्यादा यूज में लिए गए, मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण किया गया और केले के चित्र खूब सारे बने, खजूर के चित्र खूब सारे बनाए गए, सरोवर के चित्र खूब सारे बनाए गए। ये भी इसकी खूब सारी विशेषताएं थी। चित्रकारों के नाम सुरजन, राजा ही राजा का नाम भी सुरजन है, एक चित्रकार का नाम भी सुरजन है। राम और किशन दो वैसे याद रह जाएंगे, अहमद और साधु राम, तो बूंदी वाले तो नाम सिंपल से याद भी हो जाते हैं कि सुरजन, रामलाल, किशन, अहमद और साधु राम। कोटा वाली चित्रकला राम सिंह के टाइम में शुरू होती है, भीम सिंह याद कर लो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया था, शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था, खुद का नाम बदल के कृष्णदास कर लिया था, बारा में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। अब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होगा तो श्री कृष्ण के चित्र ज्यादा बनेंगे भाई। श्री कृष्ण चित्र ज्यादा बनाए गए अपने आप के अंदर। यहां पर भी एक उमेद सिंह, इसका टाइम स्वर्णकाल, ये वो उमेद सिंह नहीं भाई, अलग है ना, कोटा वाला उमेद सिंह अलग है, बूंदी वाला उमेद सिंह अलग है इसका, पर दोनों में स्वर्ण काल, उधर बूंदी में भी उमेद सिंह का, इधर कोटाक में भी उमेद सिंह नाम का राजा हुआ, इसका स्वर्ण काल। विशेषताएं, ये तो वल्लभ संप्रदाय जहां ज्यादा होगा वहां नारी सौंदर्य ज्यादा होगा, नारी सौंदर्य चित्रण अधिक। एक इसकी सबसे यूनिक विशेषता शिकार के दृश्य, हंटिंग सीन्स, शिकार के दृश्य, और ये जालिम सिंह झाला वाली हवेली के अंदर तो खूब सारे शिकार के दृश्य हैं भाई। तो कोई पूछ ले भाई शिकार के दृश्य है कहाँ, ये तो बताओ, जालिम आदमी ना जालिम सिंह झाला, जालिम सिंह झाला की हवेली के अंदर ये भित्ति चित्र बनाए गए थे। अब देखो, पहली बात है नारी सौंदर्य का चित्रण, दूसरी है शिकार के दृश्य, तीसरी में दोनों को मिला दो, महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया, मतलब भेदभाव नहीं है, महिलाओं को शिकार करते दिखाया गया। और तब मुझे याद आता है कि 1857 की क्रांति में कोटा की छत्राओं ने रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लिया था, मुझे लगता है कोटा की महिलाएं तो वैसे भी बहादुर रही है, तो वो यदि शिकार नहीं करेगी तो कौन करे, तो महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए वैसे दिखाया गया, हल्का हरा रंग यूज में खूब लिया गया, पीला रंग खूब यूज में आया, नीला रंग खूब यूज में लिया गया, शेर के चित्र, मोर के चित्र, चंपा के चित्र, ये खूब सारे बनाए गए। पर सबसे यूनिक विशेषता तो शिकार के दृश्य ही है, ये याद रखना आपने, शिकार वाले दृश्य जो रघुनाथ, गोविंद, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद चित्रकार थे। ये जो डालू है इसने रागमाला का चित्रण किया था, याद आना चाहिए कि मेवाड़ में नासिरुद्दीन और साहिबद्दीन कर रहे थे, इधर आपके जोधपुर में वीर जी कर रहे थे, इधर आपके डालू कर रहा है, तो ये भी थोड़ा याद रहे। ये चित्रकार हो गए मुख्य मुख्य, ये आपके चित्रकला हो गई। कुछ चित्र फिर मैं लाया आपके लिए आज, गोधुली बेला का एक चित्र है जयपुर का, देखिए गोधुली बेला है तो गाय है जो वापस इस टाइम लौट रही है, तो गोधुली, द हॉर ऑफ गोधुली, जयपुर 1780 का नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के अंदर रखा हुआ पेंटिंग, देखना आप गौर से। यहाँ पे मेरे तो क्या ये बड़ा पर्दा होता है, यहाँ पे इतनी मुझे साफ दिखती नहीं है ये पेंटिंग, आपको छोटा ही उस पर एकदम दिखेगा तो आपको ज्यादा साफ दिखेगा, तो आप ढंग से देखना इसको, तो मेरे को वो अलग माइनर चीजें दिख नहीं रही तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता आपको क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, मुझे पता है ये चित्र उसका है केवल, आप ढंग से देखना इसको।
एक चित्र देख कितना अच्छा, बारह मासा का चित्र है बूंदी का। कहते हैं पूरा बारह मासा बना ही बूंदी शैली के अंदर था, बाकी के अंदर पूरे सबके चित्र नहीं है। ये आश्विन महीने का एक चित्र है, आश्विन महीने का चित्र है बारह मासा का बूंदी में, 17वीं सेंचुरी का, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई के अंदर रखा हुआ है। तो ये आप देखना, बारह मासा वाला एक चित्र आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। एक चित्र है महाराजा राम सिंह फर्स्ट ऑफ कोटा हंटिंग लॉइन सेट मुकुंदगढ़, ये देखिए, ये जोरदार सा एक चित्र है जिसके अंदर कोटा के जो महाराजा राम सिंह वो आपके शेर का शिकार कर रहे हैं मुकुंदगढ़ वाली, जो ये मुकुंदरा हिल्स है, मतलब इन मुकुंदरा हिल्स के अंदर। तो एक शिकार के दृश्य आ गए, शिकार के दृश्यों की पेंटिंग है आपने। ये अनिरुद्ध सिंह हाड़ा है, ये जो बूंदी का अनिरुद्ध सिंह हाड़ा राजा था उसकी पेंटिंग बनाई गई, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पेंटिंग है। ये राग दीपक का चित्र है, चुनार राग माला। चुनार सुरजन को क्या कहता, अकबर ने चुनार का सूबेदार बना दिया था, बनारस के पास चुनार राम की जगह पड़ती है, तो वहां पर यह चित्र बनाया गया था, भारत कला भवन वाराणसी के अंदर रखा हुआ। सैयद शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम ने यह चित्र बनाया था, 91 का है ये, इधर गलत लिख दिया गया, 91 के आसपास का चित्र। राग दीपक पर आधारित एक चित्र है, ये लिखा हो भी उस पर दीपक राग, ये देखिए यहां पे देखेंगे तो आप। मध्य को आपको बता रहा था चोर पचासी का शैली, मैंने कहा था डगलस गैरेट और बेसिल गे कहते हैं कि चोर पचासी का शैली का उद्गम है वो मेवाड़ से हुआ, उस दिन मैं चित्र लाना भूल गया था। ये चित्र है जिसमें विलहण बैठा है और चंपावती उसकी प्रेमिका है, तो विलहण ने खुद को चोर के रूप में दर्शाया विलहण को, और चंपावती दिखाई हुई है कि चोर किस प्रकार से मिलने के लिए इनके आता है, उस पर आधारित चित्र है चोर पचासी का मेवाड़ 1500 एनसी मेहता कलेक्शन अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये चित्र है। एक बहुत अच्छी पेंटिंग है रामायण की, गुमान नाम के किसी चित्रकार ने बनाई थी अपने, जिसमें भगवान राम है जो अपने चित्रकूट के अंदर बाकी फैमिली से मिल रहे हैं, और भरत वगैरह राम से मिलने के लिए आए, तो वो कोई अच्छी सी पेंटिंग है। एक और अच्छी पेंटिंग है बीकानेर के अंदर, एक पेंटिंग है नूरुद्दीन नाम का, कोई बीकानेर में पेंटर हुआ था उसकी पेंटिंग है, जिसके अंदर भगवान कृष्ण झूला झूल रहे हैं और राधा जो है नाराज होके बैठी, राधा इन सैड मूड एंड कृष्णा स्विंगिंग। ये भाई आपके मुख्य मुख्य चित्र आप